लास्ट हम फ्लैक्स बॉक्स का थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड पढ़ा था, थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि ये फ्लैक्स बॉक्स क्या बोला है। तो सब लोगों को बात समझ आ गई थी, किसी का कोई सवाल तो नहीं है उससे रिलेटेड जो हमने लास्ट पढ़ा था, ओवरव्यू जो लिया था हम फ्लैक्स बॉक्स का हमने। अच्छा सवाल है सर, जी प्लीज़। सर सवाल ये फ्लैक्स बॉक्स जो है सर, ये अपने आप सारा काम करेगा, बस दसी बस लगा दिया, अंदर जो खामियां बुराइयां सब होंगी सर अपने आप सेट करके दे देगा। नहीं, अपने आप तो सेट सब कुछ नहीं होगा, जो सच बात है कि अपने आप तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये एक एडिशनल टूल है आपके लिए। मिसाल के तौर पे आप इमेजिन करें, कपड़े धोने का प्रोसेस इमेजिन करें आप। अब कपड़े धोने के प्रोसेस में क्या होता है, पहले आप कपड़े को पानी में गीला वीला करते हैं शायद, और फिर क्या करते हैं उसके बाद, उसके बाद सूखा कर देते हैं डायरेक्ट, या बीच में कुछ और भी प्रोसेस होता है। बीच में डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इमेजिन करें वो टाइम जब डिटर्जेंट्स मौजूद नहीं थे, तो कैसे धुलते थे कपड़े? डंडे से धुलते थे। आपकी भी, आप सब लोगों की बचपन में हो सकता है धुलाई हुई हो, तो आपने कभी सोचा है कि उसको धुलाई क्यों कहते हैं? क्योंकि कपड़े असल में पहले डंडे से धुला करते थे। तो वो करते क्या थे, उसको पानी में या तो हल्का गर्म पानी या नॉर्मल पानी में डाल के, और एक ख़ास तरह का पानी होता था जिसमें कपड़े धुलते थे। ये भी आपको पता नहीं रियलाइजेशन है इस चीज़ की या नहीं है, लेकिन अब वो ख़ास तरह का पानी एक आम पानी है। अब वो ख़ास तरह का पानी ही हम हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरे तरह का जो पानी था वो ईवल हो चुका है, वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का चक्कर है, सही है। तो हम अब सब जगहों पे सॉफ्ट वाटर ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे कपड़े धोने के लिए हो, चाहे पीने खाने के लिए हो, या चाहे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए हो, हम सॉफ्ट वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं। हार्ड वाटर तो इररेलेवेंट हो गया, ठीक है। आमतौर पे पहले कपड़े धोने के लिए सॉफ्ट वाटर तलाश करना पड़ता था, तो आपने अक्सर पुरानी मूवीज़ में देखा होगा वो एक चश्मा बह रहा है या दरिया बह रहा है, उसके साइड में बैठ के लोग धोते थे कपड़े, ठीक है। समुंदर पे कपड़े धोते हुए आपने किसी को नहीं देखा होगा, क्योंकि समुंदर का पानी बाई डेफिनेशन वो हार्ड वाटर होता है, उसमें मिनरल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो वो सॉफ्ट वाटर में हल्का गर्म या नॉर्मल पानी में कपड़े को डुबो देते थे। अब वो कपड़ा जब नरम हो जाता था, उसके ऊपर लगा हुआ जो भी डर्ट है या जो भी मिट्टी है, कीचड़ जो भी लगा है, मैल है, वो नरम हो जाता था, तो फिर उसको क्या करते थे, ज़मीन पे या एक पत्थर पे या एक प्लेन सरफेस पे रख के उसको डंडे से ज़ोर ज़ोर से मारते थे। तो ज़ोर ज़ोर से मारने की वजह से क्या होता था, जो कपड़े के अंदर एयर बनता था, जब ज़ोर से मारते थे वो एयर प्रेशराइज होके कपड़े से जब बाहर आता था ना, तो वो कपड़े के बीच से उड़ जाता था निकल के, उसका जो डर्ट है। तो ये प्रोसेस हुआ करता था कपड़े धोने का, समझ रहे हो। तो अभी तक हम जो कपड़े धो रहे थे ना सी एस एस में चीज़ों को सेंटर जो कर रहे थे हम, वो इस प्रोसेस से कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, डिटर्जेंट्स आ गए। डिटर्जेंट्स में क्या हुआ कि आप कपड़े को गीला करने के साथ साथ ही उसमें डिटर्जेंट भी डाल देते हैं और थोड़ा सा अंदर हिलाते जुलाते हैं। अच्छा, प्रोसेस अभी भी वही है, धुलाई अभी भी होती है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा मारना नहीं पड़ता उसको, ईजिली निकल जाता है। तो अक्सर आपने एड में ये वर्ड सुना होगा सर्फ एक्सल वगैरह के, कि निकाले दागों को आसानी से। ये इसका ओरिजिन ये है कि पहले बड़ी मुश्किल से निकलता था, मार मार के डंडे से बाहर निकालना होता था, तो अब वो निस्बतन आसानी से हो जाता है। लेकिन वॉशिंग मशीन में अभी भी जो प्रोसेस है वो बड़ी तेज़ घुमा रहा होता है। कभी वॉशिंग मशीन में घूमते हुए कपड़े को आपने पकड़ लिया ना, तो वो आपको साथ ही घुमा देगा। एक्सपेरिमेंट करके देखना, नहीं, डोंट ट्राई दिस एट होम। लेकिन ये मैंने करके देखा है तो मुझे पता है। कोई चलती हुई मशीन में ना, कोई आपने कपड़ा ऐसे डाला, ये बचपन की एंटरटेनमेंट होती है कि अम्मी ने कपड़े दिए, बेटा ये भी डाल दो जाके। अब वो आधा डाल दिया अंदर, आधे को पकड़ के खड़ा है, अब वो यूँ घूम रहा है। किया है सब लोगों ने ये। अब वो एक पॉइंट आता है, वो आपको ही घुमाना शुरू कर देता है, फिर छोड़ दो उसको, उससे आगे पकड़ा तो मसला हो जाएगा। फिर डिटर्जेंट्स ने आसानी कर दी। अच्छा, डिटर्जेंट के बाद अब कपड़े सुखाने का क्या प्रोसेस होता था, धूप में डाल दो या हवा में डाल दो। उसका डाउन साइड क्या है कि कोई गुजरता हुआ जहाज़ अपना फ्यूल छोड़ता हुआ जा सकता है उस पर, और जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। जिन घरों में कबूतरों की प्रॉब्लम है, सही है, बहुत सारे घर हैं इस वक्त कराची में जब कबूतरों की प्रॉब्लम है। एक कुछ कबूतर पकड़ने में लगे हुए उनसे पकड़ में नहीं आ रहे, और कुछ भगाने में लगे हुए उनसे भाग नहीं रहे, सही है। तो मेरा घर उन घरों में से एक है, जो रिसेंटली जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पर कबूतर आते हैं और बड़ी तादाद में आते हैं, और बस उन जैसे ही जाओ भाग जाते हैं फ़ौरन, लेकिन जैसे ही हटो फिर दोबारा आ जाते हैं। तो उनका फ्यूल जो है वो
वहाँ पे अक्सर नजर आता। तो ये एक डाउन साइड है खुले में कपड़े डालने का कि उसमें, फिर दूसरा ये तो चलो एक मजाक की बात है, लेकिन जेन्युइन बात ये है कि जब धूप लगती है ना कपड़े पे तो उसका कलर डिसकलर हो जाता है, कपड़े की लाइफ कम हो जाती है क्योंकि धूप में रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, किसी ना किसी लेवल की रेडिएशन होती है, एक एनर्जी होती है हीट जो जब उससे पास होती है ना तो उस कपड़े की एजिंग तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो अभी नया तरीका क्या है कपड़े सुखाने का, स्पिनर है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसको स्पिनर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, लेकिन वो घूमता है ऐसे अंदर, हाँ अच्छा स्पिनर ही है फिलहाल के लिए। अच्छा स्पिनर बाय द वे ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ, उसका भी एक रीज़न है वो क्यों कामयाब नहीं हुआ। उसमें प्रोसेस ये होता है कि अंदर एक जार लगा हुआ होता है, वॉशिंग मशीन के साइड में एक और कंपार्टमेंट होता है बिल्कुल उसी जैसा, लेकिन उसमें एक जार लगा हुआ होता है जिसमें जालियाँ होती हैं साइड में, और उस जार में कपड़े को डाल देते हैं आप और वो ज़ोर से घूमता है वो जार, तो घूमने की वजह से वो इनर्शिया कहते हैं उसको, वो ऐसे घूमने की वजह से वो साइड में चीज़ें भागती हैं, तो वो पानी सारा ना साइड से निकल जाता है जार से और कपड़ों से पानी अलहदा हो जाता है, ठीक है। और वो काफ़ी हद तक वो कपड़े को सुखा देता है, वो इतना सुखा देता है कि आप उसको फ़ौरन पहन भी सकते हैं अगर आपने अच्छी तरह उसको चलाया है। फिर उसमें वो कुछ और भी मैकेनिज्म होते हैं, थोड़ा सा हीट भी होता है, थोड़ी सी पता नहीं और क्या होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है वो उसमें इतनी तेज़ी से घूमने के बाद ना वो कपड़े का कचूमड़ निकल जाता है, उसको इस्त्री किए बगैर फिर आप पहन नहीं सकते, इस्त्री करना उसके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हर चीज़ में ना नई जिद्दत आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कपड़े करने की वजह से सब कुछ खुद होगा, भाई डालना निकालना तो आपने ही पड़ेगा ना, खुद ही पड़ेगा आपको, ठीक है, उसके टाइमर सेट करना पड़ेगा। तो फ्लैक्स बॉक्स इज़ काइंड ऑफ अ न्यू इक्विपमेंट, वॉशिंग मशीन था तो भी कपड़े धुलते हैं, नहीं था तो भी कपड़े धुलते हैं, प्रोसेस वही है, कपड़े धुलेंगे उसी तरह, और कपड़े धुलने का जो पर्पस है वो भी वही रहेगा। कपड़े धुलने का क्या पर्पस होता है कि थोड़ा नीट और क्लीन लगे, ठीक है, और मतलब देखने में सामने वाले को अच्छा फील हो कि हाँ यार मतलब धुले हुए कपड़े। फिर कपड़े बनाना एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, इस अभी भी राइट नाउ 2022 में हम रह रहे हैं, लेकिन अभी भी कपड़े बनाना कोई बहुत आसान नहीं हुआ है अभी तक, मतलब कंपैरेटिवली बिरयानी बनाना और कपड़े बनाना में कौन सा मुश्किल है, कपड़े बनाना, कपड़े हम घर पे नहीं बनाते इसीलिए, ठीक है, बिरयानी घर पे भी बना लेते हैं। तो क्योंकि एक दफ़ा कपड़ा हम बना लेते हैं तो उसको हम डिस्पोजेबल तो नहीं है वो ऑब्वियसली, तो उसको धो के रीयूज़ कर सकें, तो इसलिए कपड़े धोने का ये पर्पस होता है। तो वो पर्पस जो है वो भी वही रहेगा, लेकिन हमारे पास कुछ नए टूल्स आ गए जिससे वो काम आसानी से हो जाएगा। अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊँ, अभी तो फ्लैक्स बॉक्स की हमने कोडिंग नहीं पढ़ी है, इसकी जब हम कोडिंग पढ़ेंगे तो जब हम कहते हैं ना डिस्प्ले फ्लैक्स, तो बैकग्राउंड में ये वही चीज़ें इस्तेमाल करता है जो बुक में उन्होंने बताया है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो मतलब ये मार्जिन को छोड़ के कुछ और ले आएगा नया, मार्जिन का ही इस्तेमाल करता है ये, या ऐसा नहीं होगा कि जो पैडिंग हट जाएगी या बॉर्डर हट जाएगा, बॉर्डर की जगह कुछ और आ जाएगा, वो बेसिक चीज़ें वही हैं। ऑन द टॉप ऑफ दोज बेसिक थिंग्स ये जस्ट एक नया टूल है, जिसमें इन्होंने इसी वजह से ये जो बात एफिशिएंसी पे लास्ट टाइम जोर दिया था मैंने, वो इसी वजह से दिया था कि एफिशिएंट वे, एफिशिएंट वे का मतलब है आपकी ताकत कम लगेगी, आउटपुट ज़्यादा आपको प्रोड्यूस करके देगा ये, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये उसने मैकेनिज्म को चेंज कर दिया, पीछे वही बेसिक CSS को इस्तेमाल कर रहा है, अलाइन टेक्स वैक्स को जो भी अब कर रहा है, अच्छा लेकिन वो हमें उससे लेना देना नहीं है। इसको इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, सही है, इसके लिए एक टर्म भी यूज़ करते हैं, ब्लैक बॉक्सिंग कहते हैं इसको, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉक्सिंग। ब्लैक बॉक्स आप सब लोगों को पता है क्या होता है, एरोप्लेन में जो होता है उसको ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स ओरिजिनली एक और चीज़ होती है, सही है, वो जो जहाज़ में लगा हुआ होता है उसको ब्लैक बॉक्स किसी वजह से कहते हैं। अच्छा ब्लैक बॉक्स क्या होता है, चलो सुन लो, साइंस का टॉपिक है, जी VM की माइग्रेशन, हाँ वो सही कह रहे हो तुम वैसे, कि एक वो ब्लैक बॉक्स होता है, ग्रे बॉक्स होता है, एक वाइट बॉक्स होता है, वो सही कह रहे हो तुम, लेकिन वो भी उसको किसी वजह से कहते हैं, फॉर द सेम रीज़न कि जहाज़ में लगे हुए बॉक्स को हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। अच्छा ब्लैक बॉक्स समझ लो क्या होता है, ब्लैक बॉक्स ये होता है कि आप उसमें ना एक तरफ से एक बॉल डालते हैं और दूसरी तरफ से दो बॉल निकल जाती है, एक कॉन्सेप्ट है ये, ब्लैक बॉक्स इज़ अ कॉन्सेप्ट, यार इसको ज़रा बंद कर दो गेट को। अच्छा अंदर वो एक को दो कैसे कर रहा है ना, ये आपको नहीं पता, या जैसे आटे की चक्की होती है, एक तरफ से गंदम डालो
और दूसरी तरफ से बोलो कि चक्की चक्की आटा निकाल, वो चक्की आटा निकाल देती है, नहीं मतलब गंदम को आटे में कन्वर्ट कर देती है। अब एज अ लेमैन आपको नहीं पता कि उसके दरमियान में क्या हो रहा है। अच्छा वैसे तो चक्की तो आपको पता है अंदर क्या हो रहा होता है, आप खोल के देख भी सकते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स। कि एक ऐसा डब्बा हो जिसमें आप एक तरफ से चीज़ डालते हैं, दूसरी तरफ से कुछ आउटपुट निकलता है, अंदर क्या हो रहा है आपको नहीं पता, सही है। अच्छा तो ये इस चीज़ को हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स। अब वो माइग्रेशन जो होती है नेटवर्क, जो दोस्त ने कहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो माइग्रेट करते हैं हम एक मशीन को, उसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। तो हमें वो पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, इस वजह से उसको कहते हैं। जहाज़ में भी जो लगा हुआ ब्लैक बॉक्स है उसमें क्या होता है, वो जहाज़ में किस जगह लगा हुआ है ये पायलट को भी नहीं पता होता, और उसको डिकोड कैसे करना है, उसके अंदर कैसे वो डेटा सेव हो रहा है, वो किसी को भी नहीं पता होता, गवर्नमेंट्स को भी नहीं पता होता। गवर्नमेंट उसको एयरबस यानी जो कंपनी है जिस कंपनी ने वो जहाज़ बनाया उसको भेजती है कि यार आप डिकोड करके बताओ इसमें कैसे डेटा सेव किया है आपने। तो वो किसी खास तरह से सेव करते हैं जो किसी को बताते नहीं है वो, ठीक है। बस पायलट को ये पता होता है कि मेरे सामने जो ये एक कैमरा इधर एक कैमरा इधर लगा हुआ है ये ब्लैक बॉक्स में जा रहा है डेटा, उसको बस इतना पता होता है, ठीक है। और उसको पायलट को ये भी पता होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये माइक की रिकॉर्डिंग उधर हो रही है। अब वो कैसे हो रही है, कहाँ से तार जा रही है, क्या हो रही है, वो पायलट को पता नहीं होता, सही है। तो इस वजह से उसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। अच्छा तो ब्लैक बॉक्स प्रोग्रामिंग के अंदर हम किस चीज़ को कहते हैं कि एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम कुछ इनपुट देते हैं और ऑन बिहाफ ऑफ दैट इनपुट वो कुछ आउटपुट निकाल देता है। अब हमें नहीं पता होता वो दरमियान में क्या कर रहा है। ये इंशाल्लाह जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना तो एल्गोरिथम्स को हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें ये बात दोबारा डिस्कस होगी कि ब्लैक बॉक्सिंग क्या होती है। तो ये जब आपके पास क्या होता है कि फ्लैक्स बॉक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप, तो आप आसान सा कोड लिखते हैं, अंदर वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या कर रहा है वो हमें उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। कि हम जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी अगर हम बात करें तो एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। 0-1 लो लेवल होता है, सबसे लोएस्ट होता है। और जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे हम लिख के अंग्रेज़ी में लिख के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, हम CSS सारी अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं, तो ये हम हाई लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी नीचे मिसाल के तौर पर मैंने बॉर्डर लिखा 1 pixel सॉलिड ब्लैक, अब अंदर वो क्या कर रहा है, कैसे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है बॉर्डर, उससे हमें लेना देना नहीं है। तो हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, हम हाई लेवल पे काम कर रहे हैं और हम ब्लैक बॉक्स पे काम कर रहे हैं। हम यहाँ से इनपुट देते हैं जस्ट CSS का कोड जो हमें सिखाया गया, और अंदर वो कुछ करता है और स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। मतलब इमेजिन करें आपको, अगर स्क्रीन पर तो डिस्प्ले ग्राफिक ड्राइवर से होता है, वो तो GPU करता है स्क्रीन पर डिस्प्ले जो सारा कुछ हो रहा होता है, एक एक पिक्सल को कंट्रोल करता है। हमने ये डिस्कस किया था कि हर पिक्सल के पीछे एक बत्ती लगी हुई होती है, LED बल्ब जिसके 3 कलर्स हो सकते हैं। अब इमेजिन करें वो CSS में अगर बॉर्डर लगाना के लिए हमें वो एक एक बत्ती को कंट्रोल करना पड़ता तो कितना मसला हो जाता। तो एब्स्ट्रैक्शन का ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी लॉजिक पे फोकस कर पाते हैं, एक्चुअल क्रिएटिविटी पे फोकस करवाते हैं, बजाय इसके कि हम टेक्निकलिटीज़ में उलझ के रह जाएं, ठीक है। तो फ्लैक्स बॉक्स का भी यही मकसद है कि बजाय आप इसमें उलझ के रह जाएं कि भाई ये सेंटर होगा कैसे, आप फोकस करें कि यार करना क्या है, सेंटर करना आसान कर दिया आपके लिए। वेल तो बातें ज़्यादा करने से परहेज़ करते हुए हम आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस की हुई हैं, जो इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, बस ये आप जी क्या हुआ भाई, थोड़ा आराम से बोला करो, मेरा दिल धक से हो जाता है। नहीं मतलब होता है ना कभी, मुझे लगा पता नहीं कोई इमरजेंसी ना हो गई उधर। अच्छा तो यहाँ पे ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। अब फ्लैक्स आइटम क्या है और फ्लैक्स कंटेनर क्या है, इसी तरह स्टार्ट फ्लैक्स एंड क्या है, ठीक है, बेस लाइन क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ना ये देखो, इसको टॉप वाले को बोलते हैं क्रॉस स्टार्ट क्रॉस एंड, ठीक है, मेन एंड, ये सारी यहाँ पे चीज़ बताई हुई है। अब ये जब भी नीचे जहाँ पे वो डेफिनेशन लिखेगा ना कि ये लगाने से फला चीज़ क्रॉस एंड पे चली जाती है, उसका मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ वापस आके देख लेना, ठीक है। एक्सेस है, मेन एक्सेस है, क्रॉस एक्सेस है, ऐसे वाले को मेन कहते हैं, ऐसे वाले को क्रॉस एक्सेस कहते हैं, एक्स वाई वाली बात है। अब भाई हम आ जाते हैं मेन कोडिंग की तरफ, और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, नया फोल्डर बना के इसको मैं नाम दे देता हूँ 9.flexbox, और इसके अंदर मैं एक अदद index.html बना लेता हूँ, और इसमें एक बेसिक html लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं, अच्छा अभी क्या करना है वो भी हम देखते हैं, कोई बेसिक सी वेबसाइट उठा के ना उसका लेआउट बना लेते हैं, ठीक है, सीखने में आसानी हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा
आ जाओ कुछ बनाते हैं यार। ये बुक में भी इसने एक बनाया हुआ था ना, चलो नेविगेशन बार बनाते हैं पहले। बुक में इसने एक चीज़ बनाई हुई थी, अम यम 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 यम, बेसिक वेबसाइट लेआउट लिखता हूँ ना, ठीक है। ये रैंडमली मैंने एक इंटरनेट से एक रैंडमली मैंने एक लेआउट उठा लिया है बेसिक सा, ठीक है, काफ़ी बेसिक है ये। एक ऊपर नेविगेशन बार बना हुआ है, एक साइड पे लोगों की जगह छोड़ी हुई है इसने, और बीच में एक 960 बाय 360 पिक्सल का एक बैनर लगा हुआ है, और नीचे तीन फ़ोटोज़ हैं, और तीन फ़ोटोज़ के नीचे टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन है। ये टाइटल है और ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है उसकी। तो ये लेआउट अगर हम बना लें अभी राइट नाउ, तो फ्लैक्स बॉक्स को मतलब पढ़ते भी जाएंगे और साथ में इंटरटेनमेंट भी बनी रहेगी, क्योंकि बिल्कुल फेक चीज़ों पर करना फिर मज़ा नहीं आता। कुछ रियल चीज़ बनाए, मतलब ये एक रियल वेबसाइट है, बेसिक ज़रूर है लेकिन रियल वेबसाइट है, तो हम इसको कोशिश करेंगे बनाने की। अच्छा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके इसको मैं इधर ही, कैसे होगा, पेस्ट, सेव इमेज एज, और डेस्कटॉप layout.png, ये हाँ लेकिन शेयर नहीं करूँगा मैं। ओह ये तो सही है, ये मैंने VS Code में ही ला के डाल दिया ताकि बाद में भी ये इमेज आपके पास अवेलेबल रहे, ताकि आप इस इमेज को देख सकें आप। अच्छा, तो इस इमेज के अंदर अगर मैं देखूं, तो सबसे पहले एक टॉप पे ना एक बॉक्स बना हुआ है, और ये सारा नेविगेशन वगैरह सब कुछ उसके अंदर है। तो मैं ये बॉक्स एक तो बना लेता हूं पहले, तो मैं कहूंगा यहाँ पे div, और इस div को मैं एक अदद क्लास दे दूंगा, और इसका नाम मैं क्लास में इसका नाम क्या रख दूंगा मैं, हेडर, राइट, सही है, इस टॉप वाले का नाम मैं रख देता हूँ, ये हेडर है, हेडर नाम रख दिया मैंने। अच्छा, उसके अंदर क्या बना हुआ है, ओहो इसको यार यहीं पे रखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सही था, ये सही है, यहाँ पे ज़्यादा सही था, क्योंकि वो स्वैप कर पा रहा हूँ मैं स्क्रीन को, यहाँ पे टैब चेंज करना निस्बतन ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा जी, तो हेडर के अंदर मेरे पास एक साइड पे लोगो है, लोगो भी एक डिव के अंदर होगा ऑब्वियसली, और एक साइड पे ये मेरे पास नैव बार है, ठीक है, नैव बार के लिए मैं एक टैग जो लगाता हूँ उसको कहते हैं नैव, ठीक है, तो मैं वही टैग लगाऊंगा इसमें, और फिर नैव के अंदर कुछ आइटम्स हैं, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि div, और इसको मैं क्लास दे दूँगा कि भाई ये लोगो है, सही है, और इसके आगे वाले को मैं क्लास दे दूँगा, सॉरी अब तो div नहीं बनाऊँगा, अब तो मैं nav बनाऊँगा क्योंकि नेविगेशन बार हो गई है, सही है, क्लास भी इसको मैं क्या दे दूँगा, nav, nav दे दूँगा इसको मैं, सही है, सिर्फ nav। अच्छा, nav के अंदर मैं क्या बनाता हूँ, ul, सही है, और यू एल के अंदर li, और li के अंदर मैं वो आइटम का नाम भी लिख देता हूँ, अब इसमें तो नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी ब्लर हुआ है नाम, बट एक दो तीन चार पांच नाम है इसके अंदर, तो हम रैंडमली कोई ना पांच नाम ऐसे लिख देते हैं, और होम गैलरी कॉन्टैक्ट अबाउट, और लास्ट एक सर्विसेज को मैं ले आता हूँ सेकंड नंबर पे, ठीक है जी। तो ये मैंने क्या कर दिया, पांच आइटम बना दिए। अच्छा, अब मेरी वेबसाइट ये दिख रही कैसी है अभी राइट नाउ, बगैर CSS के कुछ इस तरह की दिख रही है, ठीक है, डब्बे शब्बे कुछ भी बनाया कुछ भी विजिबल नहीं है मेरे पास। अच्छा, अगला काम क्या है मेरे पास, अगला काम मैंने ये करना है कि इसके नीचे का जो भी बॉक्स है पूरा का पूरा, इसको मैं कोई ना कोई नाम दे दूंगा, लेकिन वेल शायद मुझे इस वाले पे पहले CSS अप्लाई कर लेनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये काम फ्लैक्स बॉक्स से करना है, तो फ्लैक्स बॉक्स का हम एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या चक्कर है। फ्लैक्स बॉक्स में एक कंटेनर होता है, एक आइटम होता है,
अच्छा कंटेनर कौन होता है? मिसाल के तौर पे किसी भी चीज़ पे मैंने, जैसे ये हेडर है, अब इस मैं आऊँगा यहाँ पे स्टाइल पे, और स्टाइल पे आके मैं बोलूँगा कि डॉट हेडर, और इसको मैं बोलूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये जो हेडर है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन गया? कंटेनर बन गया, ठीक है। टू बी मोर एक्यूरेट, एक फ्लेक्स कंटेनर बन गया। कंटेनर तो ये पहले भी था, ठीक है। कंटेनर तो डिफ तो होता ही कंटेनर है, या कोई भी एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट के अंदर है तो पेरेंट उसका कंटेनर कहलाता है। तो ये कंटेनर तो पहले भी था, अभी ये क्या हो गया? फ्लेक्स कंटेनर हो गया है। अच्छा, फ्लेक्स कंटेनर बनने के बाद इसके पास क्या अथॉरिटी आ गई है? जो लास्ट हमने पढ़ा था, अपने डायरेक्ट चाइल्ड को कंट्रोल करने की एबिलिटी आ गई है, ठीक है। तो डायरेक्ट चाइल्ड इसका एक ये है और एक ये है, ये दो इसके डायरेक्ट चाइल्ड है, सही हो गया। अच्छा, तो अब इन दोनों को कंट्रोल कर सकता है ये। अच्छा, इसके अंदर यू एल एल आई पे इसका कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे इसने इसे यही बताया है कि दिस डिफाइंस अ फ्लेक्स कंटेनर इन लाइन और ब्लॉक डिपेंडिंग ऑन द गिवन वैल्यू। इट इनेबल्स अ फ्लेक्स कॉन्टेक्स्ट फॉर ऑल इट्स डायरेक्ट चिल्ड्रंस। किसी भी कंटेनर पे, अच्छा इसने डॉट कंटेनर जो लगाया ना, वो ज़रूरी नहीं है कि मैं डॉट, कोई भी नाम हो सकता है उसका, ठीक है। मेरे केस में वो डॉट हेडर, हेडर के नाम का जो था, मैं आईडी से भी लगा सकता हूँ, मैं डायरेक्ट किसी एच वन को या डायरेक्ट किसी पैराग्राफ को भी कह सकता हूँ कि यार आप फ्लेक्स कंटेनर हो आप। तो मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये मेरा जो आइटम था ये वाला, ये पूरा इतना जो कंटेनर था, ये फ्लेक्स कंटेनर बन गया। अच्छा, फ्लेक्स कंटेनर बनते ही आपको यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस फील नहीं होगा, ठीक है, फिलहाल के लिए एटलीस्ट, क्योंकि कुछ और है नहीं, मतलब लोगों में, चलो मैं एक इमेज लगा देता हूँ थोड़ा सा फील कराने के लिए कि क्या डिफरेंस हुआ है। अच्छा, इमेज मेरे पास कोई फिलहाल यहाँ पे नहीं है, तो मैं काम करता हूँ लोगो उठा लेता हूँ कहीं से, ठीक है, रैंडमली कोई सा भी लोगो उठा लेता हूँ मैं। हाँ भाई, कौन सा लोगो? चलो एप्पल, एप्पल को वो करते हैं, सही है, लेकिन ये बहुत बड़े साइज का है लोगो इसका। ओपन इमेज इन न्यू टैब, फिफ्टी थ्री के बी का है ये, 53 KB। एक काम करते हैं ना, एस वी जी करते हैं, एस वी जी, एस वी जी जो है ना, एज कंपेयर टू जो सेव इमेज एज, और मैंने कहा कि भाई डेस्कटॉप पे क्या कर दो, लोगो डॉट, अच्छा ये तो एस वी जी नहीं है, तो पी एन जी है दोबारा, मैं कोई एस वी जी लोगो तलाश करता हूँ। एप्पल लोगो एस वी जी, ये क्या हुआ? ओपन इमेज इन न्यू टैब, हाँ ये एस वी जी है, सही है, देखो साथ में डॉट एस वी जी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एस वी जी है। इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, मैंने कहा कि लोगो डॉट एस वी जी, सही है। एस वी जी का बेनिफिट क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ, स्केलेबल होता है, और इसका जो जो साइज़ होता है इसका, वो काफ़ी कम होता है। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको देखूँ, गेट इन्फो, तो इसका साइज़ काफ़ी कम होता है, ठीक है। ये जस्ट 4 KB का है, ये जस्ट 4 KB इसका साइज़ है, और इसको मैं जितना भी जूम इन करूँ, जितना भी जूम आउट करूँ, ये इसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं लोगों के अंदर ना ये इमेज ऐड कर देता हूँ कि भाई जान ये इमेज होगी मेरे पास, मैंने कहा भाई लोगो डॉट एस वी जी, आगे देखते हैं क्या हो चुका है इसका। अच्छा, लोगो का साइज़ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बड़ा डिफाइन हुआ हुआ था, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। मैंने साइज़ कहा कि भाई आप हो जाओ 50 पिक्सल के हो जाओ। ओ, इसकी विड्थ होती है ना, साइज़ क्यों लिख रहा हूँ मैं, सही है, 50 पिक्सल इज़ गुड इनफ। अच्छा, तो अब अगर मैं फ्लेक्स बॉक्स हटाऊंगा और लगाऊंगा ना, तो देखो इससे डिफरेंस क्या पड़ेगा। ये मैं आया हेडर पे, और ये मैं फ्लेक्स हटाऊंगा तो ये ऐसे है, और क्योंकि ऐसे इस वजह से है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूं ताकि आपको नज़र भी आए।
ये ऐसे इस वजह से क्योंकि हेडर इज़ अ डिव, ठीक है ना, तो डिव क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। अच्छा, फिर इस हेडर के अंदर जो लोगो है वो भी डिव में है, तो ये डिव भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, पूरी लाइन लेता है। उसके बाद दूसरा जो डिव है उसमें नेव बार है, तो ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अच्छा, और ये दोनों डिव जो हैं ये किसके, हेडर के डायरेक्ट चाइल्ड हैं ये। अच्छा, तो जैसे ही मैं फ्लैक्स बॉक्स अप्लाई करता हूँ तो ये पेरेंट है। अच्छा, पेरेंट पे देखो फ्लैक्स लिखा हुआ भी आ जाता है यहाँ, ठीक है, पेरेंट के ऊपर जो फ्लैक्स कंटेनर होता है उस पर यहाँ पे गूगल क्रोम का जो डेवलपर टूल है वो आपको लिख के भी बता देता है, ये मुझे फीचर गूगल क्रोम दे रहा है। और ये जो इसके दोनों डायरेक्ट चाइल्ड हुआ करते थे, सही अभी भी हैं, इन दोनों का ना इसने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। पहली बात तो इसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया होगा मोस्ट प्रॉब्ली, सही है, क्योंकि जिस तरह ये बिहेव कर रहा है मोस्ट प्रॉब्ली ये इनलाइन ब्लॉक कर चुका है इसको। अच्छा, और इसको साइड बाई साइड लेकर आ गया ये, बजाय वो नए लाइन में शुरू करने के। तो ये पहला चेंज हमने देख लिया कि भाई फ्लैक्स बॉक्स लगाने से ये चेंज थोड़ा सा आ गया है, पहले फील नहीं हो रहा था क्योंकि पहले इमेज थी नहीं मेरे पास। अच्छा, अब मुझे अगला काम क्या करना है, मतलब इस सिनेरियो को देखते हुए मुझे अगला काम ये करना है कि मुझे एप्पल के लोगों को इस तरफ करना है लेफ्ट पे मेरे लेफ्ट मोस्ट, और जो ये नेव बार है इसको मैं राइट मोस्ट पे करूँगा। अच्छा, फिर नेव बार को सीधा करना वो अभी अलग आगे की कहानी है, वो भी हम करेंगे, सही है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे पता है कि ये जो दो पार्ट है ना, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, तो एक को लेफ्ट मोस्ट पे एक को राइट मोस्ट पे करना है। अच्छा, तो हम यहाँ पे तलाश करते हैं एक एक करके कि भाई अभी देखते जाते हैं एक एक प्रॉपर्टी कोई ना कोई मुझे मिलेगी जिससे वो काम हो जाएगा। वेल, तो डिस्प्ले फ्लैक्स पहला काम हो गया। अच्छा, अब गौर कीजिएगा आप कि जितनी भी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इन्होंने लिखी हुई है वो तमाम कंटेनर के ऊपर लगने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और ये हल्का सा ये जो येलो कलर के राइट साइड पे जो पूरा बात लिखी हुई है इसने, ये वाली बात आइटम पे लगने वाली है या कंटेनर के अंदर जो उसके चिल्ड्रन है उस पर लगने वाली है। वेल, तो हम पहले क्या करते हैं, जो कंटेनर पे लगने वाले तमाम आइटम है उसको ज़रा गो थ्रू करते हैं। सेकंड चीज़ है फ्लैक्स डायरेक्शन। अच्छा, फ्लैक्स डायरेक्शन क्या करता है, दिस एस्टैब्लिशेस द मेन एक्सिस थस डिफाइनिंग द डायरेक्शन फ्लैक्स आइटम आर प्लेस्ड, ठीक है, इन अ कंटेनर। और इसकी डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू भी होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी रो, ठीक है। अच्छा, रो कौन सा वाला होता है, ये वाला जो फर्स्ट है के लेफ्ट से राइट। बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई भी एलिमेंट आप लिखते हैं, आपने एक H1 लिखा, उसके बाद आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद आपने एक और हेडिंग लिखी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप टू बॉटम चल रहा होता है ना, फ्लो जो होता है HTML का। जैसे ही आप किसी कंटेनर को फ्लैक्स कंटेनर बनाते हैं उसके तमाम डायरेक्ट चाइल्ड जो हैं उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, वो लेफ़्ट टू राइट हो जाती है, जैसा कि आपने यहाँ पे ऑब्जर्व भी किया कि ये लेफ़्ट टू राइट हो गया, सही। अभी मैं तीसरा कोई आइटम लगाऊंगा इसके बाद आएगा वो, ठीक है, राइट राइट राइट, फिर वो ऐड होता रहेगा और अल्टीमेटली वो स्क्रीन से बाहर भी चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं, मतलब जितने आइटम डालता जाऊंगा वो राइट पे ही आएंगे, नीचे कभी भी नहीं आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। अच्छा, तो इसकी फ्लैक्स की डायरेक्शन को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसको टॉप टू बॉटम भी कर सकता हूँ, ये चार इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, चार वैल्यूज़ हैं, चारों डायरेक्शन में इसको मैं कर सकता हूँ, मैं इसको राइट से भी लेफ्ट चला सकता हूँ, मैं इसको बॉटम टू टॉप भी चला सकता हूँ, ठीक है, रिवर ऊपर की तरफ भी चला सकता हूँ कि भाई जो सबसे पहला आइटम है वो बॉटम पे आ जाए फिर टॉप पे। तो जैसा कि उसने बोला था डायरेक्ट चाइल्ड का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि पहले कौन सा हो बाद में कौन सा हो, तो ये आप देखें रिवर्स करने की वजह से नीचे से ऊपर भी चला सकता हूँ मैं, ऑर्डर भी इसका चेंज कर सकता हूँ। अब ये ऑर्डर चेंज करने के लिए इसने बैकग्राउंड में कोई CSS की बेसिक प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल की होगी, ठीक है, क्योंकि CSS की बेसिक प्रॉपर्टीज से आप ये काम कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें आसान है, फ्लैक्स डायरेक्शन रो, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। अच्छा, और आगे आ जाओ, फ्लैक्स रैप। फ्लैक्स रैप क्या करता है, जैसा कि यहाँ पे देखो दिखा रहे हैं ना कि आइटम लेफ्ट से राइट जाते हैं, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, ये पर्पल कलर से एक फ्लैक्स कंटेनर को डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये पर्पल कलर का जो है क्या है, फ्लैक्स कंटेनर है, इसके अंदर पीले पीले कलर के जो है ये आइटम्स हैं सारे, और ये सारे आइटम कौन से आइटम की बात हो रही है, जो डायरेक्ट चाइल्ड है, इन पीले आइटम के अंदर भी कुछ हो सकता है लेकिन वो दिखाया नहीं है उन्होंने। अच्छा, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बाई डिफ़ॉल्ट इसका जो डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा होता है, अगर मैं इसको बोल दूँ ना कि फ्लैक्स रैप और फ्लैक्स रैप को ट्रू कर दूँ मैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, जब स्क्रीन ख़त्म हो जाएगी ना तो वहाँ से नीचे वाली लाइन पे लेकर आ जाएगा, अगली लाइन में शुरू करेगा, फिर स्क्रीन ख़त्म होगी तो और अगली लाइन पे, तो 3, 4, 5 जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इमेज जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो इन लाइन एलिमेंट होता है, तो अगर हम 20-25 इमेज एक साथ लगा दें
तो क्या होता है, जहाँ तक स्क्रीन खत्म होती है वहाँ से फिर वो अगली लाइन में शुरू होता है, तो वो वाला कुछ बिहेवियर होगा, तो रैप होगा। बाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, नो रैप, सही है, बाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है नो रैप। अच्छा, इसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, ट्रू तो नहीं है, खैर इसकी वैल्यूज हैं रैप और रैप रिवर्स, ये दो हैं इसकी वैल्यू। अच्छा, रैप और रैप रिवर्स में क्या डिफरेंस है, पढ़ो इसको। हाँ, एक टॉप टू बॉटम है और एक बॉटम टू टॉप है। मिसाल के तौर पे इसमें ये नीचे की तरफ घूम रहा है, अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये ऊपर की तरफ घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, कभी कभी पड़ जाती है, तो वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होगा। बाई डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है नो रैप, ठीक है, और हमें रैप करना होता है तो हम करते हैं, अदरवाइज हम उसको नो भी रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो केस टू केस हम तीनों वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे होते हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद है फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो क्या करता है, दिस इज अ शॉर्ट हैंड फॉर फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप को एक साथ बताने का तरीका है ये, ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ बताएं, लेकिन ये एक शॉर्ट हैंड मौजूद है, ठीक है। तो इसने बोला भाई कॉलम कर दो और रैप कर दो, ये कॉलम कर दो नो रैप कर दो, ठीक है। तो फ्लेक्स फ्लो एक शॉर्ट हैंड है, इसी वजह से इसका वहाँ पे एग्जांपल भी बना के नहीं दिखाई, इन्होंने जस्ट बता दिया कि ये दोनों चीज़ एक साथ बता रहे हैं, क्लियर है ये। अच्छा, उसके बाद है जस्टिफाई कॉन्टेंट। जस्टिफाई कॉन्टेंट में इन्होंने देखो पर्पल कलर से कंटेनर डिफाइन किया कि पर्पल कलर का जो ये कंटेनर होगा एक फ्लेक्स कंटेनर, पीले कलर से ये इसके डायरेक्ट चाइल्ड हैं, इस डायरेक्ट चाइल्ड के अंदर भी कुछ होगा लेकिन वो दिखाया नहीं है क्योंकि डायरेक्ट चाइल्ड तक होता है सिर्फ कंट्रोल। अच्छा, अगर मैं बोलूँगा कंटेनर पे ये बात लगाऊंगा मैं, सही याद रखना, कंटेनर पे जाके मैं बोलूँगा कि अपने जो कंटेंट है उसको जस्टिफाई कंटेंट करो और फ्लेक्स स्टार्ट कर दो, तो ये क्या करेगा, सारे के सारे आइटम को लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाएगा, लेफ्ट साइड से शुरू करेगा, लेफ्ट और उसके बाद राइट, फिर उसके बाद और राइट, फिर उसके बाद और राइट, ऐसे चलाएगा। अगर मैं फ्लेक्स एंड कर दूंगा तो वो एंड पे लेके चला जाएगा, सेंटर कर दूंगा तो सेंटर पे लेके आ जाएगा, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, ये सारे इसके पॉसिबल ऑप्शंस हैं, सही है। अच्छा, तो हमें इसमें से कौन सा वाला चाहिए, अभी स्पेस बिटवीन चाहिए मुझे गालबन, सही है, स्पेस बिटवीन मुझे चाहिए, और स्पेस अराउंड भी लगा के देख सकते हैं। अच्छा, स्पेस अराउंड में और स्पेस बिटवीन में और स्पेस इवनली में, इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी समझ लो। स्पेस बिटवीन में क्या करेगा ये कि ये इस वाली जगह पे ना कोई स्पेस नहीं डालेगा, ये बिल्कुल दीवार के साथ चिपका के शुरू करेगा, और इस तरफ भी कोई स्पेस नहीं डालेगा। इमेजिन करेंगे बीच में 100 पिक्सल का स्पेस था, ठीक है, 100 पिक्सल का, अब ये तीनों यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, वो इवनली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने दरमियान। अच्छा, फिर स्पेस अराउंड जो है इसमें क्या डिफरेंस होगा कि यहाँ पे अगर 10 पिक्सल का स्पेस है ना तो 5-5 का इधर भी होगा, यानी जितना इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका आधा इधर भी होगा। अच्छा, स्पेस इवनली क्या है कि इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10 और इधर भी 10, ठीक है, जो भी स्पेस होगा इवनली डिवाइड होगा। अच्छा, ये स्पेस अभी अननोन है, ये कितना स्पेस होगा दिस इज अननोन। ये स्पेस मोबाइल डिवाइस पे होगा ज़ाहिर है 300 पिक्सल होगा, तो 300 इमेजिन करें आपने स्पेस बिटवीन लगाया है, लेकिन क्या हुआ कि स्पेस था ही नहीं, तो वो बिल्कुल चपके चपके में आएंगे। इमेजिन करें कि तीनों बॉक्स लगने के बाद 3 पिक्सल की जगह बचती है, तो एक एक पिक्सल बांट लेंगे, एक एक पिक्सल का डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। इमेजिन करेंगे कि 3 बॉक्स लगने के बाद 15 पिक्सल की जगह बचती है, तो ये 5-5 पिक्सल डिवाइड कर लेंगे, जितना भी बनेगा वो इवनली ये डिवाइड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी जो आपने बताई भी है, सही है। तो हमारे केस में हम स्पेस बिटवीन लगाएंगे या स्पेस अराउंड लगाएंगे, स्पेस अराउंड कितने लोगों का ख्याल है कि स्पेस अराउंड लगना चाहिए। अच्छा, देखते हैं हम ज़रा, अगर मैं लगाता हूँ स्पेस, कौन सा वाला, स्पेस अराउंड, तो यहाँ पे जो स्पेस होगा ये वाला, मिसाल के तौर पे ये 300 पिक्सल का स्पेस है, तो ये 300 पिक्सल ये पूरा इधर नहीं लेगा, वो क्या करेगा, ये 300 को डिवाइड करेगा, 300 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या बनता है, नहीं मतलब यहाँ पे जो जितना स्पेस यहाँ पे है ना उसका आधा आधा इधर भी देना है, तो 150 पिक्सल यहाँ होगा इधर और 75 यहाँ पे होगा, 75 यहाँ पे होगा,
लेकिन हम शायद ऐसा नहीं चाहते। अच्छा, ये तो उस केस में होगा कि जब 300 है। इमेजिन करें हमारी स्क्रीन थोड़ी बड़े साइज़ पे अगर खुल जाती है, तो यहाँ पे अगर 500 पिक्सल अगर जगह बचती है तो ये 500 फिर यहाँ नहीं आएगा, फिर 100-100 पिक्सल दोनों साइडों पे आ रहा होगा, या शायद 200-200 पिक्सल दोनों साइडों पे आ रहा होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या स्क्रीन साइज़ है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा लोगों को दीवार से काफ़ी, दीवार को काफ़ी छोड़ देगा। ठीक है, दीवार से वो चपकेगा नहीं। तो अब ये भी डिपेंडिंग ऑन द केस कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि जब स्क्रीन बड़ी स्क्रीन पे खुले या हम जूम आउट करें तो ये लोगो दीवार से चिपका रहे, ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। या हम ये चाहते हैं कि वो बीच में आ जाए, या हम मे बी हम उसका जो 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 पूरा का पूरा बॉक्स है, ये पूरा ब्लैक जो ये पूरा बॉक्स है जिसको हम हेडर कह रहे हैं, क्लास हमने हेडर दी हुई है, हम इसकी विड्थ को ही लिमिट कर दें अगर कि एक सर्टेन विड्थ से, यानी 1000 पिक्सल से ज़्यादा ना जाए बस स्क्रीन ज़्यादा, तो साइड में वाइट, जैसे अभी वाइट स्पेसेस छोड़े हैं ऐसे वाइट स्पेस छोड़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार वो दीवार के साथ चिपका रहे। ठीक है, अच्छा अगर मुझे दीवार के साथ चिपकाना है तो मुझे स्पेस बिटवीन लगाना होगा। ठीक है, आ जाते हैं भाई स्पेस बिटवीन लगा के देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने ये हेडर पकड़ा। ठीक है, इस हेडर पर मैंने हाथ रखा और मैंने इसको आके बोला कि जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन। अब देखो स्पेस बिटवीन लगाते ही क्या हो गया, ये दोनों साइडों पे जाके चपक गया। अच्छा, अब मैं स्क्रीन को बड़ा करूँ छोटा करूँ ये उधर चपका रहेगा। अच्छा, वो दीवार से कुछ ज़्यादा ही चपक गया, अब ये भी मुझे नहीं करना, तो मैं इसको बचाने के लिए क्या करूँगा, थोड़ा सा मार्जिन या थोड़ा सा पैडिंग इस तरफ मैं दे दूँगा ताकि वो दूर हट जाए वहाँ से। ठीक है, ये निस्बतन बेटर स्ट्रैटेजी होगी जो हम चाह रहे हैं इस वक्त। अच्छा, तो ये तो काम मेरा सेट हो गया। अब मुझे साथ साथ इसको एक बैकग्राउंड कलर भी देना है। बैकग्राउंड कलर मैं इसी से, पहले तो ब्लैक लगाता हूँ मैं, लेकिन इससे छापूंगा मैं इसको बैकग्राउंड कलर को। पिक कलर फ्रॉम पेज, क्या कर रहा है ये, पिक नहीं कर रहा कलर। पिक नहीं कर रहा कलर यार, ये क्या चक्कर है। पागल हुई है ये तो भाई, जो मैं बता रहा हूँ वो कलर उठा लो यहाँ से, कुछ ये डिसओरिएंटेड हो गया है, कुछ कुछ इस तरह का चक्कर हो गया है इसके साथ। ये डिसओरिएंटेड हो गया है कुछ, ये पकड़ लिया इसने कलर। ठीक है, वो कर्सर कहीं और है, कलर कहीं और से उठा रहा है, ये चक्कर कर रहा है वो। आ जाओ भाई, ये ब्लैक हटा के ना ये कलर मैंने लगा दिया। ठीक है, तो सेम जो वहाँ पे कलर था वही कलर मैंने यहाँ पे छाप लिया इसको। अच्छा, जैसे ही मैंने बैकग्राउंड कलर दिया ना, तो अब मुझे इस बात का ज़्यादा अंदाज़ा हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दीवार से चिपका हुआ है, जो मेरा जो लोगो है और जो मेरा ये नैव बार है वो भी। अच्छा, तो फिलहाल के लिए मेरा ये नैव बार में जो करने का काम था वो मैं इधर ला के पेस्ट कर देता हूँ। सही है, थोड़ा सा मैं पैडिंग भी इसको दे देता हूँ इसी में हेडर को, तो उससे थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी। पैडिंग, और मैंने कहा कि भाई 10 पिक्सल, सही है, चलो 15 कर देते हैं। ठीक है, 15 पिक्सल पैडिंग हो गई। ठीक है जी, 15 पिक्सल की पैडिंग भी लगा दी मैंने। अच्छा, अब अगला काम मैंने क्या करना है, लोगो तो अपनी जगह पे सेट हो गया। एक मसला ये हो रहा है कि मेरा जो नेविगेशन बार है वो बहुत लंबा हो जा रहा है, और वो बहुत लंबा इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो जो लिस्ट है मेरी उसका उसकी लंबाई ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है वो तो लंबा तो होगा। तो अब मुझे ना लिस्ट को सीधा करना है, तो अब मैं क्या करूँगा। अच्छा, जो लिस्ट जो है वो इस हेडर का डायरेक्ट चाइल्ड तो है नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो नेविगेशन बार है ना, ये वाला, ये जो एल आई है मेरा, जो ये मल्टीपल लाइंस में आ रहा है, इसको चेंज करने के लिए मैं इस कंटेनर पे जो मर्ज़ी लगाता रहूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए मुझे इसका कंटेनर, यानी कि जो यू एल है, यानी इस एल आई को, ये जो मल्टीपल लाइन में, इसका डायरेक्ट कंटेनर कौन है, यू एल है, तो मुझे इस यू एल को फ्लैक्स कंटेनर बनाना पड़ेगा। अच्छा, इस यू एल को मैं कैसे पकड़ूंगा, मैं आके बोलूँगा कि भाई नैव के अंदर जो यू एल है,
सही है, मैं बोलूँगा डॉट नेव, सही है, और उसके अंदर जो यू एल है, सही है, ये डायरेक्ट चाइल्ड को इसी तरह हम टारगेट करते हैं। अच्छा, मैं ये भी बोल सकता था कि भाई यू एल पे लगा दो, लेकिन उससे तो फिर मेरी पूरी वेबसाइट में जितने यू एल हैं वो तो सब पे अप्लाई हो जाएगा, मैं सब पे तो नहीं करना चाहता। तो मैं इसलिए ये बोलता हूँ कि भाई ये जो नेव जो क्लास लगी हुई है ना जिस पे, ठीक है, डॉट नेव के अंदर जो यू एल है उस पे मैं ये बात अप्लाई कर रहा हूँ, और उस पे मैं क्या अप्लाई करूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया मैंने। तो अब ये कंटेनर जो है मेरा यू एल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया, ये सारे चाइल्ड जो है वो कंट्रोल में आ गए। अच्छा, जैसे ही सारे चाइल्ड कंट्रोल में है आप देखें ऑटोमेटिक ना ये हो गया। अच्छा, ये काम मैं डिस्प्ले इन लाइन करके भी कर सकता था, डिस्प्ले फ्लैक्स ही बाई डिफॉल्ट करके देता है, ठीक है। अच्छा, तो और इसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इसका लिस्ट स्टाइल चेंज करना होगा मुझे, क्या कहते हैं उसको हम, लिस्ट स्टाइल, नन। अच्छा, ये एक पे अप्लाई हुआ है सिर्फ, चलो यहीं से करते हैं ना, सब पे हो जाएगा क्या, हाँ फॉन्ट का कलर भी मुझे ब्लैक की जगह वाइट करना होगा, ठीक है। और लिस्ट स्टाइल मैं इस पे तो नहीं लगा सकता, ठीक है, वो तो एल आई पे लगेगा, या इस पे लगा सकता हूँ मैं, एल आई पे लगेगा वो, राइट। उसके लिए मैं बोलूँगा डॉट नेव के अंदर जो एल आई है उसके अंदर जो, सॉरी, उसके अंदर जो यू एल है उसके अंदर जो एल आई है, सही है, ऐसे करके बोलूँगा मैं। अगर मैं ऐसे करके नहीं बोलता, डायरेक्ट एल आई बोलूँगा, लग उस पर भी जाएगा ये, लेकिन मेरे बाकी पेज पे और भी कहीं पे एल आई हो सकता है, उस पर नहीं लगाना चाह रहा मैं, उस पर मैं बोलूँगा कि भाई लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। तो ये मेरा लिस्ट स्टाइल क्या हो गया, नन हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी भी मेरा जो ये जो मेरा नेविगेशन बार है वो अभी भी काफ़ी लंबा है, अभी भी काफ़ी लंबा होने का रीज़न ये है क्योंकि मैंने पैडिंग दी हुई है इसको, तो आपको पता है पैडिंग जो है ओवरऑल विड्थ में एडअप होता है, तो लोगों का की जो हाइट थी वो और साथ में पैडिंग मिलके काफ़ी बड़ा कर दे रहा है मेरे नेविगेशन बार को। तो अब अगर मज़ीद मुझे नेविगेशन बार को छोटा करना है तो मैं क्या करूँगा, अपने जो लोगों को शायद मज़ीद छोटा करूँगा मैं, या तो मैं पैडिंग को कम करूँगा, पैडिंग को कम करके शायद मैं मार्जिन दूँ उस लोगों को, मार्जिन दूँ ताकि वो लोगों अपने आप को दूर करें बजाय कि पूरा मेरा वो हेडर बड़ा हो रहा हो। अच्छा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे इस यू एल पर मज़ीद कोई काम करना है क्या, क्या काम करना है, स्पेसेस देने हैं मुझे। अच्छा, इसको मैं स्पेसेस अब कैसे दूँ, क्या मैं इसमें भी स्पेस इवनली इस्तेमाल करूँ, हाँ भाई बताओ। अगर इसको मैं बताऊँगा यहाँ पे कि भाई आप क्या हो जाओ, पेरेंट है ना ये, इसमें बोलूँगा जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट बोल के क्या बोलूँगा मैं, स्पेस इवनली, तो सही हो जाना चाहिए, देखते हैं लगा के, स्पेस इवन बोला कुछ भी नहीं हुआ, स्पेस इवनली बोलने की वजह से कुछ भी इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि ये जो मेरा नेव के नाम का जो था ना ये आइटम जिसको मैंने राइट पर भेजा था वो अपने कंटेंट के ऊपर टाइट था, उसमें कोई एडिशनल एक्स्ट्रा स्पेस है ही नहीं जिसको वो डिवाइड करे, लग गया है वो प्रॉपर्टी, जब कभी इसका स्पेस बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिवाइड कर लेगा, लेकिन अभी तो कोई स्पेस है ही नहीं, तो अभी तो सही है। तो इसका मतलब है कि ये जस्टिफाई कंटेंट मेरा काम इस पर नहीं करेगा, जस्टिफाई कंटेंट नहीं लगा सकता मैं, ठीक है। तो विड्थ बढ़ा भी नहीं सकते हम, विड्थ बढ़ाएंगे तो फिर वो हमेशा वही विड्थ रहेगी, इमेजिन करो, चलो ये वाला काम करके देख लेते हैं। मैंने कहा भाई जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, और तुम कह रहे हो विड्थ इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है, कितनी कर दें विड्थ इसकी हम, ओह सॉरी, विड्थ तो इस पेरेंट की बढ़ेगी ना, विड्थ इसकी क्यों बढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन ये तरीका काम नहीं करेगा, ये जहन में रखो। विड्थ मैंने कहा भाई 400 पिक्सल, तो अब मैंने विड्थ इसकी क्या कर दी, 380 पिक्सल विड्थ रख दी मैंने इसकी, ठीक है। लेकिन अब इमेजिन करो जब मैं इसको छोटा करूँगा ना, ये क्या हो रहा है, ये फिर चमकना शुरू हो गया, ठीक है, जब तक बड़ी स्क्रीन है जब तक तो ये सही है, लेकिन जब ये छोटा होगा तो ये
इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये उसके ऊपर जाएगा वैसे भी हर हाल में, जाहिर है, क्योंकि एक हद तक स्क्रीन छोटी होगी तो उसको मैनेज करेगा ना, उसके बाद तो वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका बेहतर सॉल्यूशन शायद ये है कि मैं बजाय इसको जस्टिफाई कंटेंट वगैरह लगाने के, मैं इस हर लिस्ट आइटम को थोड़ा सा मार्जिन करके आपस में एक दूसरे से दूर कर दूं, तो मेरा मसला सेट हो जाएगा। फ्लेक्स में गैप होता है, कहाँ पे होता है देख लेता हूँ। फ्लेक्स गैप किस पे, कंटेनर वाले पे होता है? ये रहा गैप, हाँ सही तो कह रहा है, ये गैप होता है। ठीक है, वैसे मैं उसको मार्जिन भी दे सकता हूँ, मार्जिन लेफ्ट दूंगा तो भी ठीक है, लेकिन मैं गैप भी लगा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन स्टिल ये गैप कहाँ पे लगेगा? कंटेनर पे लगेगा, कंटेनर पे लगेगा ये। हाँ तो चलो गैप का इस्तेमाल कर लेते हैं, सही है, गैप का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, गैप, रो गैप और कॉलम गैप। अच्छा, अगर मैं गैप दूंगा तो वो दोनों साइड से लेगा, लेकिन मुझे रो गैप चाहिए कालबन, ताकि नहीं, मुझे अगर सिर्फ ऐसे ऐसे दूर करना है इसको, तो मुझे कौन सा वाला गैप इसमें से चाहिए? सिर्फ गैप चाहिए, ये तो चारों साइड से लेगा ना फिर गैप, गैप रो गैप चाहिए मुझे कालबन, लगा के देखते हैं। तो ये मेरा यू एल फ्लैक्स कंटेनर है, इस पर मैं आगे बोलता हूँ कि गैप। तो अब जब इस पर मैं होवर करूँगा ना, तो इसने दोनों साइड तो नहीं लिया वैसे गैप, इसने एक साइड ही लिया। अबे रो गैप में और सिर्फ गैप में तो कोई फर्क ही नहीं है। अच्छा, ओके, गॉट इट गॉट इट। जब ये रैप होगा तो फिर होगा वो, सही कह रहा है, सही कह रहा है। जब ये रैप होगा आगे बढ़ेगा, दूसरी लाइन पे भी जा रहा होगा मेरा कंटेनर, जब वो कॉलम वाला सॉरी रो वाला गैप काम करेगा, अदरवाइज वो गैप जो है वो आपस में ही करेगा सिर्फ। वेल, तो हम इसमें क्या कर सकते थे, हम इसमें मार्जिन भी लगा सकते थे, बट मैंने क्या कर दिया, अरे ये वापस कैसे चिपक गया यार, नहीं तो फिर इसका मतलब है कॉलम गैप चाहिए होगा मुझे। हाँ कॉलम गैप चाहिए, मतलब वो लंबे लंबे कॉलम है उसको आपस में दूर करना, सही है, तो कॉलम गैप मुझे चाहिए होगा इसमें। ठीक है, मैंने कॉलम गैप लगा दिया, तो आपस में थोड़े थोड़े क्या हो गए, दूर हो गए। अच्छा, अब आप अपने लेआउट में देखते हैं कि हमारे पास इसके ऊपर ना एक बैकग्राउंड कलर भी है। अब इस बैकग्राउंड कलर को मैं पकड़ूं कैसे, यहाँ से क्लिक करके उठाता हूँ, तुक्का लगा के उठाना पड़ रहा है मुझे इसको। है कहीं और वो पकड़, कहीं और ही रहे। अबे भाई, कोई मैं टूल उठा लेता हूँ ऑनलाइन, पिक कलर फ्रॉम इमेज, इमेज कलर पिकर आ गया ना, इसमें दूंगा इमेज वो और यहाँ से करके देख लूँगा मैं, इमेज कलर पिकर ना, यूज़ योर इमेज, अपलोड इमेज, सही ना, ये एक ऑनलाइन टूल है, ये मुझे अलाउ कर रहा है कि डेस्कटॉप पे उठाया था ना मैंने लेआउट, ठीक है, ये एक ऑनलाइन टूल है, ये मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं इसमें से कलर पिक कर लूँ। अब यार ये इमेज असल में इतनी छोटी है ना, वो ही नहीं हो पा रहा है इससे। ठीक है जी, तो ये नैफ का कलर है और ये उसके बार का कलर है। ठीक है भाई, चलो ये मैंने पिक कर लिया यहाँ से। अच्छा, क्लिक करने से वहाँ पे अपडेट हो जा रहा है कलर, ये एक कलर है 33 2424, सही है, जादू से हमने क्या किया, कलर उठा लिया। तो ये जो मेरा यू एल है, इस यू एल को मैंने क्या कलर दे देना है,
अच्छा क्या मैं यूएल को दूंगा या इस वाले को दूंगा मैं? हाँ ये भी एक सवाल है कि मैं इस यूएल को कलर दूं या इस नैव को कलर दूं। आगे ज़रा देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अच्छा ये मेरा क्या है, ये मेरा जो है वो नैव है और ये मेरा यूएल है। बंद हो गया, अभी लगा देता हूँ। अच्छा तो मेरा ख्याल है नैव को मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा, ठीक है, बजाय यूएल को देने के मैं नैव को दूंगा, क्योंकि ये एक डिव है तो उस पर कंट्रोल मेरा बेटर रहेगा। सही है, यूएल फिर उसके अंदर होगा। अच्छा क्या हुआ भाई ये, यार उसमें देखो जो क्रोम कास्ट में वाइट कलर की बत्ती जल रही है छोटी सी, यार ये तो नहीं कनेक्ट हो रहा हुआ। यार यहाँ से तो मेरे पास से हो गया, उसमें रेड बत्ती तो नहीं जल गई प्रोजेक्टर में? बस वो प्रोजेक्टर ठंडा हो गया भाई मेरे हिसाब से। हाँ भाई नहीं आ रहा वो वाला, यहाँ से कनेक्टेड है मेरे पास से, छोड़ो इस तरफ देख लो। ठीक है अच्छा चलो यार यूएल को दे देता हूँ, यूएल को दे देता हूँ कलर में। क्या है आगे? आ गया सही हो गया भाई। अच्छा ये मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, बोलो। हाँ नहीं वैसे मैं उसको नैव को भी दे सकता था, लेकिन फिलहाल मैंने यूएल को दे दिया, जो मेरा कंटेनर है ना जो फ्लेक्स कंटेनर है उसको दे दिया मैंने फिलहाल के लिए। नहीं नहीं इसमें दो बैकग्राउंड्स हैं अलग अलग, ये देखो इसमें एक तो नैव का कलर है ये और बैक इसका एक बार का कलर अलग है। अभी तो जाहिर है वो चपटा सा दिख रहा है अभी, इसलिए फील नहीं आ रही। अभी उसका मैं वो सेट करूँगा ना तो फिर फील आ जाएगी कि हाँ यार ये हाँ वो बहुत माइनर सा कलर डिफरेंस है। अभी अगर मैं तुम्हें जूम करके दिखाऊं तो शायद ये इतने वाले पे ना थोड़ा सा ये, चलो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ तुम्हारे लिए, जाओ और बोलो। नहीं खैर कलर तो ब्लैक ही रहेगा इसका, ये लो मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया इसको, ठीक है थोड़ा सा डार्क कर दिया। अच्छा और मैं क्या बोल रहा था इसमें, कॉलम गैप 5 पिक्सल नहीं 10 पिक्सल कर देते हैं जब, सही है 10 पिक्सल ये कॉलम गैप हो गया। अच्छा कॉलम गैप लगने के बाद क्या हो रहा है, ये इस तरफ से यार आगे किस खुशी में निकल रहा है? नहीं इस पे पैडिंग लगी हुई है क्या बाय डिफ़ॉल्ट? हाँ एक तरफ से 40 पिक्सल की पैडिंग लगी हुई है। अच्छा अच्छा वो क्योंकि लिस्ट आगे हुई भी होती है ना थोड़ी, तो ये वो वाली पैडिंग। हाँ हाँ नहीं ये यूएल पे लगी हुई है पैडिंग, ये एल आई किन पे नहीं यूएल पे लगी हुई है पैडिंग ये। हाँ हाँ वो चेंज कर देंगे अभी हम, यहाँ पे मैं आऊँगा ये यूएल है ना इसके ऊपर मैं बोलूँगा पैडिंग 0 पिक्सल ख़त्म हो गया। लेकिन असल में मैंने 0 पिक्सल नहीं देना, वो एक तरफ था, मैं अभी लगाऊंगा तो चारों साइड पे वो हो जाएगा। ये यू एल पे आया मैं और अब मैंने क्या करना है, इस पे पैडिंग थोड़ी बढ़ानी है ना एक, ऑब्वियसली थोड़ी मैंने ऐसे बनानी है ना। आ गई फील, अब इसी तरह का कुछ है वो वहाँ वाले पे देखो डिफरेंस वहाँ पे थोड़ा वाजे है, तो हमें थोड़ा इस तरह का ही बनाना था।
काइंड ऑफ अच्छा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको बड़ा करता जा रहा हूँ, ये ओवरऑल पूरा नेविगेशन बार मेरा बड़ा होता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इसके ऊपर पैडिंग लगा दी है मैंने मेन हेडर पे, जिसको मुझे कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे से जाहिर है वो बॉक्स मॉडल हमने पढ़ा है, पैडिंग मार्जिन जो जो लगाते जाएंगे वो टोटल ओवरऑल बॉक्स में वो एडअप होता चला जाता है, तो मुझे उसको अल्टीमेटली कम करना पड़ेगा वापस जाके, ठीक है। वेल, तो 14 पिक्सल जो पैडिंग है इसकी वो गुड इनफ है। अच्छा, तो क्या मुझे ये पैडिंग पिक्सल में देनी चाहिए? ये वाली जो पैडिंग है ना, इसकी जो पैडिंग है ये मुझे पिक्सल में नहीं देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट टेक्स्ट के साथ है। इमेजिन करो अगर टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाए, क्या कहते हैं फॉन्ट साइज़ कहते हैं, फॉन्ट साइज़ अगर बड़ा हो जाए, ठीक है, तो साथ साथ वो पैडिंग भी बढ़नी चाहिए, लेकिन वो पैडिंग तो फिक्स है। अगर टेक्स्ट का साइज़ छोटा होता है तो भी पैडिंग अपनी जगह है, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट कितना छोटा हो गया और पैडिंग अभी भी बढ़ी है, तो ये साथ साथ चेंज नहीं हो रही है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको ई एम में देना होगा, सही है। तो मैं 14 पिक्सल के लिए क्या लिखूँगा ई एम में? 1 ई एम कितना होता है? 16 पिक्सल होता है, तो 0.98 समथिंग लिखूँगा मैं, तो मैं लिखूँगा 0.8 ई एम, ठीक है। तो भी मुझे उससे वही वाली चीज़ अचीव हो रही है, मे भी मैं इसको शायद 7 कर दूँ थोड़ा, सही है, ठीक है, 0.7 पे ये शायद थोड़ा ठीक लग रहा है। अच्छा, अब मैं आके क्या करूँगा साथ में इसके, अब आके मैं फॉन्ट का जब साइज़ इसको छेड़ूंगा ना, मैंने फॉन्ट का साइज़ कर दिया 24 पिक्सल, ठीक है, तो वो साथ साथ पैडिंग को भी उतने पे ही रख रहा है, बढ़ा रहा है। अब मैं फॉन्ट का साइज़ छोटा करूँगा, तो ये देख रहे हो जो रेशो है इसका वो मेंटेन्ड है। पहले क्या हो रहा था, जब छोटा हो रहा था फॉन्ट का साइज़, तो नेविगेशन बार की हाइट कम नहीं हो रही थी साथ साथ, वो जो पैडिंग की वजह से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको मुझे ई एम में देने की वजह से ये बेनिफिट हुआ मुझे, ठीक हो गया। तो मैंने इसमें क्या लगाया, कॉलम गैप 0.7 ई एम लगाया, मैंने कहा पैडिंग 0.7 ई एम, सही है। अब हसबे ज़ायका इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी मतलब हसबे ज़ायका तो खैर नहीं, जितनी आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट चीज़ रह गई है कि जो मेरा हेडर है ना, इस पर पैडिंग जो मैंने दी थी ना 15 पिक्सल, ये मुझे क्या करनी है, ये मुझे कम करनी है, ठीक है। लेकिन कम करने की वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों दीवार के साथ जाके चिपक जा रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी मैं 0 पिक्सल पे ना, मेरे पास ये सिचुएशन है, तो 0 पिक्सल पे जो सिचुएशन है मेरे पास, पहली बात तो राइट और लेफ्ट से तो मुझे चाहिए चाहिए, है ना, 45 पे अब भेजता हूँ, राइट और लेफ्ट से तो पैडिंग मुझे चाहिए चाहिए, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार 15 पिक्सल और 0, ओ सॉरी वो उल्टा कर दिया मैंने, 0 पिक्सल और 15 पिक्सल, तो देखो राइट लेफ्ट से तो मेरे मुझे ये मिल गया। अच्छा, बाकी टॉप और बॉटम से भी मुझे कुछ ना कुछ पैडिंग चाहिए होगी, तो थोड़ा सा मैं इसको भी बढ़ाता हूँ और देखता हूँ कि अगर मेरा काम इसमें हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं मेरा नेविगेशन बार बहुत बड़ा हो जा रहा है पैडिंग देने से, सही है, मेरा नेविगेशन बार बहुत बड़ा हो जा रहा है पैडिंग देने से, तो नहीं टॉप की कम नहीं दे सकता मैं, मुझे कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। जब मैं इसको पैडिंग देता हूँ तो यहाँ बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसको मुझे रिड्यूस करना होगा किसी तरह, जो बीच में ये डिस्टेंस आ रहा है, ये जो मेरा जो ब्लैक कलर की पट्टी है उसके और जो ग्रीन कलर का जो मुझे मार्जिन वो जो पैडिंग दिख रही है, इन दोनों के दरमियान जो चीज़ है ना, उसको मुझे रिड्यूस करना है किसी तरह। ये कैसे रिड्यूस होगा? नहीं, लोगों के साइज़ का फ़र्क नहीं है ये, अच्छा ये हमने जो ऊपर टॉप पे पहला कंटेनर बनाया था ना, इसमें नीचे कुछ मार्जिन आया हुआ है, इसमें इसको भी मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। और उसके बाद जो ये मेरा नैव जो है और यूएल जो है, असल में मैंने बैकग्राउंड कलर यूएल को दिया है, लेकिन नैव जो है वो थोड़ा बड़ा है उससे, तो इसकी वजह से मेरे पास वो एक बीच में ना एम्प्टी स्पेस आ रहा है, तो शायद मुझे ये करना चाहिए कि ये बैकग्राउंड कलर मुझे नैव को दे देना चाहिए, तब उसको मैं फिर रिड्यूस कर पाऊँगा मज़ीद,
ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर जो मैंने यूएल को दिया था, या तो यूएल का मैं साइज़ बढ़ा दूँ, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो यूएल पे मार्जिन लगा हुआ है, फिर मुझे मार्जिन भी ज़ीरो करना पड़ेगा, लंबी कहानी होगी। तो बेहतर ये कि मैं जो बैकग्राउंड कलर मैंने किसको दिया हुआ था, ये इस यूएल को दिया हुआ था ना, ये मैं क्या दे दूँ, डॉट नेव को दे दूँ मैं, सही है। डॉट नेव को देने से क्या हुआ, वो वाला स्पेस मेरा रिड्यूस हो गया, जो बीच में एक एम्प्टी स्पेस आ जाता था मेरे पास, और अल्टीमेटली अब मुझे इसकी जो हाइट है उसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी नेव की जो हाइट है इस वक्त, जो भी हाइट है उसको मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। और अब आप देखें ज़रा इसको कि वो वाली चीज़ रिड्यूस हो गई है जो बीच में एक आ रहा था ना, एम्प्टी स्पेस आ रहा था इस पट्टी के और पैडिंग के बीच में। तो अब शायद मैं इस पैडिंग को तो इतना ही छोड़ दूंगा, 15 पिक्सल, ये पैडिंग तो 15 पिक्सल सही है अपनी जगह। अब मुझे क्या करना है, इसका साइज़ रिड्यूस करना है, ये जो मेरा नैव है इसका, इसकी हाइट रिड्यूस करनी है मुझे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हाइट, और मैं कहूँगा कि भाई 20 पिक्सल तो बहुत कम हो गया, सही है, ऐसे कह दूँगा मैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है मेरे पास कि जब इसको मैं कम या ज़्यादा करता हूँ तो ये मेरा जो नैव बार है वो असल में किस पे अलाइंड है, वो टॉप पे अलाइन हुआ है, ठीक है, वो टॉप पे अलाइन हुआ है। अच्छा, हमने ये वर्टिकल अलाइन पढ़ा है शुरू में कि भाई वर्टिकली किसी चीज़ को अलाइन करना होता है क्योंकि इमेज का साइज़ बड़ा है, टेक्स्ट का साइज़ छोटा है। अब या तो वो सेंटर में होगा, या तो वो टॉप पे चिपक जाएगा, या तो वो नीचे चिपक जाएगा। तो इस केस में ये टॉप पे चिपक रहा है जाके, इस केस में क्या हो रहा है, ये टॉप पे चिपक रहा है। तो इसका कोई ना कोई तरीका मेरे पास होना चाहिए कि मैं क्या बोलूं कि ये जो नैव है, अच्छा ये नैव है कौन, ये भी ज़रा गौर से देख लो, ये इस हेडर का डायरेक्ट चाइल्ड है, इस हेडर का ये डायरेक्ट चाइल्ड है। तो इस हेडर, ये फ्लैक्स कंटेनर है और ये फ्लैक्स कंटेनर का डायरेक्ट आइटम है। तो मुझे फ्लैक्स बॉक्स की जो टूल्स हैं उसके अंदर अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए जिसमें मैं कंटेनर पे बता दूं कि बच्चा आप सारे आइटम को दरमियान में कर लो, या मैं आइटम को बता दूं कि यार तुम अपने आप को सेंटर में कर लो, बाकियों को छोड़ो, तो ऐसी दोनों चीज़ें मौजूद हैं मेरे पास, जिसको हम क्या कहते हैं, अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, ये रहा अलाइन आइटम में ना, ये ब्लू कलर का मुझे बॉक्स दिख रहा है। देखो कुछ बॉक्सेस बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो हमारे केस में एग्जैक्टली यही है कि हमारा जो लोगो है वो बड़ा है और हमारा जो नेव बार है वो हाइट में छोटा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप पे चिपके हैं सारे के सारे, ठीक है। फ्लैक्स स्टार्ट, अभी इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू उन्होंने फ्लैक्स स्टार्ट बताई भी होगी, अच्छा नहीं डिस स्ट्रेच है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अच्छा, तो मुझे क्या करना है, मुझे इनमें से कौन सा वाला चाहिए, मुझे चाहिए सेंटर, ठीक है, या मुझे बेस लाइन चाहिए, या तो मुझे सेंटर चाहिए या तो मुझे बेस लाइन। सेंटर और बेस लाइन में थोड़ा सा डिफरेंट है, बेस लाइन जो है वो टेक्स्ट जितने भी होंगे ना वो सारे एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है, तो टेक्स्ट का चक्कर है। तो ये हो गया कि मैं कंटेनर को ये बता सकता हूँ, अच्छा फिर आइटम को भी मैं बता सकता हूँ कि अलाइन सेल्फ, कि भाई बाकियों को छोड़ो, आप अपने आप को एंड में कर लो या आप अपने आप को स्टार्ट में कर लो, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ इसको। तो एक आइटम को या तमाम आइटम को मैं दरमियान में ऐसे कर सकता हूँ। तो अब मैंने आगे क्या करना है, ये जो मेरा मेन कंटेनर था हेडर वाला, इसको मैं क्या बोलूँगा आगे, मैं बोलूँगा कि भाई अलाइन कंटेंट, ठीक है, अलाइन आइटम्स एक्चुअली, और सेंटर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, जो पट्टी थी वो सेंटर में आ गई मेरी। अच्छा, उस पट्टी के अंदर का जो आइटम है वो अभी भी भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है वो। तो मैं पहले जो उसका, यानी बाहर वाला आइटम है, यानी जिस पे मेरा कंट्रोल था एज अ फ्लैक्स कंटेनर, जिस पे मेरा कंट्रोल था उसको तो मैंने सेट कर लिया। अब देखो क्या होगा, जब मैं इस हेडर को, इस हेडर का मैं साइज़ बढ़ाऊँगा या कम करूँगा, मिसाल के तौर पे ये, ओ सॉरी किसको कर रहा हूँ मैं, ये है ना मेरा नेव, नेव है ये, हेडर नहीं है। इसकी मैं हाइट बढ़ाऊँ या कम करूँ, ये अपने आप को देखो सेंटर में रख रहा है, सही है। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं तो देखो इसकी हाइट मैंने 71 कर दी, और इसको कम भी करूंगा मैं तो ओवरऑल जो कंटेनर है ना, ये ब्लैक पट्टी जो है, ये ब्लैक कलर जो दिख रहा है मुझे बैकग्राउंड का, ये है ये नेव, ये अपने आप को सेंटर में रख रहा है, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो टेक्स्ट है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो उसको हम टेक्स्ट को अंदर जाके थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन आप इमेजिन करें इसको कि इसका साइज इस वक्त 10 पिक्सल हो चुका है, लेकिन आप देखें ये ओवरऑल पूरे पट्टी के ना सेंटर में है इस वक्त ये, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको तो मैंने कंट्रोल कर लिया, तो इसकी हाइट मुझे कितनी चाहिए वो ज़रा पहले डिसाइड कर लेते हैं, ताकि उस पर सेट करके फिर अंदर चलते हैं। इसकी हाइट मुझे कितने पे चाहिए, 52 पिक्सल सही रहेगा ये, इसकी हाइट भी मुझे ईएम में देनी है, सही
सही है, ई एम में इसलिए देनी है कि अंदर के टेक्स्ट का साइज चेंज हो तो ये अपने आप को रेशो को बरकरार रखे। तो इसका मैं दूंगा 2 EM, सही है, या 2.5 EM में भी, कि जितना भी अंदर 16 पिक्सल का टेक्स्ट है तो ये 32 पिक्सल हो, बल्कि उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में थोड़ा स्पेस मिल जाए। अगर तो 16 पिक्सल का टेक्स्ट है तो ऊपर की लाइन में भी 16 और नीचे की लाइन में भी काइंड ऑफ 16 पिक्सल तक होगा, लेकिन अगर कल को वो 24 पिक्सल हो जाए तो भी ये रेशो बरकरार रहे। तो मैं इसको क्या करूँगा, हाइट को 2.5 EM दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं आके मैंने क्या क्या किया है यहाँ पे, एक तो हेडर को मैंने बोला भाई अलाइन आइटम्स सेंटर, सही है, सेंटर या बेस लाइन भी बोल सकता हूँ इसको मैं, सही है। लेकिन बेस लाइन में इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास दोनों साइडों पर टेक्स्ट नहीं है। अगर दोनों साइडों पर टेक्स्ट होता तो मैं टेक्स्ट की लाइन को बराबर करना, तो फिर मैं बेस लाइन का इस्तेमाल करता। अभी मेरे पास सेंटर भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरा मैंने क्या किया था, नेव बार की हाइट को फिक्स किया था 2.5 EM पे, ठीक है। ये दो काम मैंने किए थे, ये दो काम मेरा हो गया। अच्छा, अब ज़रा इसको चल के देखते हैं अंदर वाले को। ठीक है, अब ज़रा अंदर वाले टेक्स्ट को हम चल के जायज़ा लेते हैं उसका, कि वो क्यों भाग रहा है। ये मेरा नेव बार है और ये मेरा UL है। अब इसके ऊपर आप देखें, UL के ऊपर ना काफ़ी सारी मार्जिन टाइप की चीज़ें लगी हुई हैं, तो मुझे इन मार्जिन्स को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब जाके मेरा ये मसला शायद कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। अच्छा, नेव बार पे मैं कंप्यूटेड पे जाता हूँ तो इसमें तो कुछ मार्जिन नहीं है। UL पे मैं कंप्यूटेड पे जाता हूँ, 16 पिक्सल का मार्जिन टॉप पे, इस 16 को मैंने ज़ीरो किया, और नीचे 16 पिक्सल का मार्जिन है, इसको भी मैंने ज़ीरो किया, तो ये मेरा मसला बिल्कुल बेहतरीन सेट हो गया, ठीक है। UL के ऊपर 16 पिक्सल का ऊपर और नीचे मार्जिन है। अच्छा, 16 पिक्सल का मार्जिन पैराग्राफ पे भी होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ जब हम बनाते हैं तो ऊपर और नीचे उसके 16 पिक्सल का मार्जिन होता है, हेडिंग में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, ऊपर और नीचे कुछ ना कुछ मार्जिन होता है, तो जिसकी वजह से वो ऊपर नीचे भाग रहा था, ठीक है। और एक्चुअली वो ऊपर नीचे क्या भाग रहा था, वो ओवरफ्लो हो रहा था, क्योंकि मैंने इस नेव को फिक्स किया है 2.5 EM पे, लेकिन इसके अंदर का जो कंटेंट था, जो UL था, उसकी एक हाइट थी और उसका मार्जिन भी था, तो दोनों मिला के हाइट बनती है ना एक्चुअली, तो वो ओवरफ्लो होकर नीचे की तरफ भाग रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या बोलना है, UL पे आके मैंने मार्जिन उसका ज़ीरो कर देना है, ये मसला मेरा सेट हो जाएगा, ठीक है। UL पे आया, मैंने कहा मार्जिन, और मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम मुझे करना है ज़ीरो, राइट। चलो फिर ज़ीरो सिर्फ करके देखते हैं कि क्या कहता है ये। हाँ, सेट हो गया, ठीक है। अब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे पे चढ़ने के बजाय ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन ओवरफ्लो ये किस पॉइंट पे जाके हो रहा है वो भी देख लेते हैं हम। तकरीबन 450 पिक्सल तक ये सेट है, उससे और कम होता है ना फिर ये ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई बस ये इतना दूर रहे, लोगों के इतना करीब ना जाइए, तो मैं क्या करूँगा, मैं लोगों को मार्जिन राइट दे दूँगा। देखो, अभी तो ये एम्प्टी स्पेस है ना जो इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, बट मैं लोगों को मार्जिन राइट दे दूँगा तो ये कभी इतना, ये इधर ही रुक जाएगा फिर, ठीक है, इधर ही रुक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप ये लोगों पे मैं हाथ रखूँ, ठीक है, ये मेरा लोगो है ना, इसकी विड्थ देखो कितनी है, विड्थ तो वो होती है जो विजिबल होती है, मुझे इनविजिबल मार्जिन देना है इसको। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई आपका ना साइड पे आप, यानी राइट साइड पे आप मार्जिन ले लो 20 पिक्सल का, सही है, बल्कि 20 पिक्सल से मुझे कहीं ज़्यादा मार्जिन देना होगा, सही है। मैंने काइंड ऑफ इतना मार्जिन दे दिया, 55 पिक्सल का मार्जिन दे दिया मैंने। तो अब देखो, जब मैं स्क्रीन को जब बड़ा करूँगा ना तब तो सेट है, लेकिन छोटा जब मैं करूँगा तो वो इससे ज़्यादा करीब नहीं आएगा, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा वो, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा करीब ना आए। अच्छा, तो ये मोबाइल मीडियम पे, मोबाइल लार्ज पे ये काम नहीं कर रहा, ये ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है। आमतौर पर हम जो रिस्पॉन्सिव साइड बनाते हैं उसको हम क्या करते हैं, मोबाइल मीडियम तक लेकर आते हैं। अच्छा, फिर उसको हम टैबलेट, और टैबलेट के अलावा हम और किस पे हम चेक करते हैं इसको, लैपटॉप लार्ज, ठीक है, ये लैपटॉप लार्ज है, लैपटॉप लार्ज पे ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो हम आमतौर पे एक डिज़ाइन को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं कर सकते। अब देखो, जब ये छोटी स्क्रीन पे तो काफ़ी सही लग रहा था, लेकिन इतनी बड़ी स्क्रीन पे आके ना मुझे लग रहा है कि नहीं यार, इस पे यहाँ पे पैडिंग कुछ मज़ीद होनी चाहिए थी। अब ये तो मसले का हल नहीं है, अब मैं इस पे सेट करूँगा तो छोटे वाले पे मुझे लगेगा या तो पैडिंग ज़्यादा होगी,
तो इसका अल्टीमेट हल क्या है फिर? इसका अल्टीमेट हल ये है, अभी तो नमाज का टाइम हो गया आपके, ठीक है, इसका अल्टीमेट हल क्या है वो हम वापस आके डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी लंबी डिस्कशन है। तो अभी आप सब लोग नमाज़ पढ़ने चले जाएं, ये हमने हेडर अभी तक बना लिया, आगे का काम थोड़ी देर में शुरू करते हैं। यार ये तो छोटी डिवाइस पे तो ये बिल्कुल सेट हो गया, इतनी बड़ी डिवाइस पे, लेकिन जब मैं इसको लार्ज डिवाइस पे जब मैं चेक करता हूं, और लैपटॉप लार्ज से भी ज़्यादा बड़ी डिवाइस, यानी कि इसको मैं 4K पे जब टेस्ट करता हूं, तो ये कुछ इस तरह की बन जाती है। जो रेशो है मेरे लोगों का और मेरे नैव बार का, वो बहुत ही आउट हो चुका है। अच्छा, तो इसका अल्टीमेट हल क्या है और क्या वो हमें करना चाहिए? देखो, शुरू में क्या होता था, इसी तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते थे, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते थे मीडिया क्वेरी। अच्छा, मीडिया क्वेरी अभी हम कवर नहीं कर रहे, हम आगे थोड़ा सा उसको ओवरव्यू लेंगे सीएसएस के लास्ट में। मीडिया क्वेरी क्या होता है? सीएसएस को हम कंडीशनल बना देते हैं। हम कहते हैं कि भाई, जैसे ये वाली बात लिखी हुई है कोड में कि यार नैव बार की जो हाइट है वो 2.5 EM होनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि ये लाइन ना कंडीशनल हो जाए। अच्छा, ये लाइन कब चले? जब मेरी स्क्रीन का साइज़ 700 पिक्सल से लेके 1000 पिक्सल के दरमियान, ठीक है, या 700 पिक्सल से ज़्यादा हो, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं होता, मैंने जितना भी ज़्यादा हो 700 से ये अप्लाई कर देना है, या मैं बोलूँगा कि 350 से कम हो तो ये अप्लाई कर दूँ। तो इस तरह की कंडीशनल अगर मैं जब लगा देता हूँ, बल्कि हाथ के अंदर उसकी मैं शक्ल भी दिखा दूँ तुम्हें। अच्छा, मीडिया क्वेरी का बुक में जिक्र नहीं है, W3 स्कूल खोल लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं ये, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं ये। तो देखो, अभी अगर मैं बोलता हूँ ना कि भाई @media ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 600, और इसके अंदर मैं कोई भी स्टाइलिंग, देखो पूरी का पूरी स्टाइलिंग है ये, सेलेक्टर के साथ सेलेक्टर रूल डिक्लेरेशन सब इसके अंदर है। तो ये वाली जो सेलेक्शन, ये वाला जो CSS का जो कोड लिखा है मैंने, ये जब इम्प्लीमेंट होगा, जब ये बात ट्रू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं लगा देता हूँ इसको लाके यहाँ पे, अभी तो उसने बॉडी पे लगाया ना, तो ठीक है, मैंने कहा जो नैव बार का कलर है ये वाला, मैंने यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगाई एक, सही है, मैंने कहा कि स्क्रीन का साइज़ जब क्या हो जाए, 900 से बड़ा हो जाए, मैंने कहा मैक्स विड्थ जब 900 से बड़ी हो जाए, तो बैकग्राउंड कलर क्या कर दो? लाइट ब्लू कर दो। अच्छा, बॉडी पे नहीं, डॉट नैव के ऊपर, तो देखते हैं क्या होता है। आ जाते हैं अपनी साइट पे हम, ठीक है, अभी मेरी बॉडी का साइज़ है 1440 पिक्सल। अच्छा नहीं, वो अपोजिट है, वो मैक्स का मतलब है कि 900 पिक्सल तक। अच्छा, तो चलो इसी पे ही देख लो, जब मैं छोटा करता हूँ 900 से जैसे ही कम होता है इसका कलर चेंज हो जाता है, और जैसे ही 900 से ये बड़ा होता है, ये देखो ये 900 से बड़ा हुआ, कलर चेंज हो गया, तो वो CSS क्या हो गई मेरी? कंडीशनल हो गई। अच्छा, तो मैक्स विर्थ, अच्छा इसका अपोजिट क्या है? मिन विर्थ है। तो मैं जो चाह रहा था कि 900 से बड़ा हो, तो मैं मिन विर्थ लगाऊंगा फिर इस पर, ठीक है, ये कंडीशन है कि मिनिमम विर्थ अगर 900 पिक्सल हो तो फिर। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम मैं एक साथ भी लगा सकता हूँ, यानी 700 से लेकर 900 के दरमियान मैं वो भी लगा सकता हूँ, ठीक है। आके अब दोबारा से चेक करते हैं मेरी साइट को, ठीक है, अब देखो 900 पिक्सल से छोटा होगा तो ब्लैक, बड़ा होगा तो ब्लू, सही है। इस तरह से मैं कोई भी बात ऐसे कंडीशनल लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं फिर इस लोगो की जो पैडिंग है उसको भी मैं कंडीशनल बना सकता हूँ। मैं आके बोलूँगा कि भाई ये जो मेरा लोगो है ना, सही है, इस पे जो इस वक्त पैडिंग लगी हुई है वो क्या लगी हुई है भला? हेडर के ऊपर जो मेरे पैडिंग लगी हुई है, ठीक है। हाँ, नहीं, होल CSS पे भी लगा दूँ अभी, चलो एक और इसमें लगा के बताता हूँ ना, मैं एक और इसमें लगा के बताता हूँ। अच्छा, जैसे इसका मुझे ना पैडिंग अब क्या करनी है, अगर स्क्रीन का साइज़ बड़ा हो तो मुझे 15 पिक्सल की जगह इसकी पैडिंग क्या कर देनी है? 30 पिक्सल कर देनी है, बढ़ा देनी है पैडिंग, अगर स्क्रीन का साइज़ बड़ा होता है तो, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं हेडर पे आके लिखूँगा, ये था ना डॉट हेडर, तो मैंने कहा भाई डॉट हेडर, सही है, देखो मल्टीपल CSS लिख रहा हूँ मैं इस रूल के अंदर, अंडर दिस रूल मैं मल्टीपल CSS लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई हेडर की जो पैडिंग है ना मेरी,
वो क्या हो जानी चाहिए, वो 30 पिक्सल हो जानी चाहिए। सही है। अब ऐसे जितना मर्ज़ी आप कंडीशन लगाते रहें, जितनी मर्ज़ी आप इस पर कस्टमाइजेशन करते रहें, अब देखो होगा क्या। अब ये 900 पिक्सल से जब कम होगा तो देखो पैडिंग कम हो गई, जैसे ही बढ़ेगा तो पैडिंग भी बढ़ गई साथ साथ। अच्छा, कलर कोई बहुत वाहियात मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसका कलर कोई दूसरा लगाते हैं जो मुझे दिखे भी तो सही। सही है, मैं फायर लगा देता हूँ, फायर वाला कलर हो जाए। सही है, दिख रहा है एटलीस्ट। तो जैसे ही ये एक सर्टेन साइज से बड़ा होता है तो इसकी पैडिंग भी बढ़ जाती है। सही है, कंडीशनल हो गया। अच्छा, मे बी जब मैं पैडिंग बढ़ा रहा हूँ तो मैं शायद इसका साइज़ भी बढ़ाना चाहूँ मेरे लोगों का। तो मेरे पास लोगों का जो साइज़ है वो इस वक्त राइट नाउ क्या है, वो 350 पिक्सल है एक्चुअली। सही है, वो 50 पिक्सल है मेरे जो इसका साइज़ है, तो मैं इसको भी बढ़ा सकता हूँ। अच्छा, फिर उसके अलावा मैं शायद इसका भी साइज़ बढ़ाना चाहूँ। ये जो UL है ना मेरे पास, इस UL को मैंने पैडिंग दी है 0.7, ठीक है, तो शायद मैं इसकी पैडिंग तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी मैंने इसकी। सही है, एक्चुअली मैं इसकी नहीं, मेरे पास नैव के ऊपर ये बात लिखी हुई है कि इसकी हाइट कितनी होगी, 2.5 इसकी हाइट है, तो शायद मैं इसको भी बढ़ाना चाहूँ। इसको जब मैं बढ़ाना चाहूँगा तो इसके अंदर वाली चीज़ को भी बढ़ाना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये इसके अंदर वाली जो चीज़ है वो क्या है भला, इसकी पैडिंग है, तो शायद मैं इसकी पैडिंग को अब 0.9 कर दूँगा या इसको मैं पूरा 1 कर दूँगा। तो मैं किसी भी चीज़ को बढ़ा सकता हूँ कंडीशनली। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली ये होता है कि मेरे पास CSS के अंदर ना 3 पार्ट्स बने हुए होते हैं। अच्छा, 3 पार्ट्स कैसे होते हैं, सबसे यहाँ पे कट किया मैंने, इसको टॉप पे लगाया, ठीक है। अगर मैं 3 डिवाइसेस के ऊपर अपने पेज को कंडीशनल बना रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा कि यार 300 पिक्स, अभी देख लेते हैं हम कि क्या है 3 डिवाइसेस का साइज़। एक मोबाइल मीडियम का जो साइज़, गूगल क्रोम का जो डेवलपर टूल है वो मुझे कह रहा है कि यार 375 पिक्सल ना मीडियम मोबाइल आजकल चल रहा है मार्केट में, तो मैं 375 पिक्सल से कम के लिए ये वाला एक रूल लिखूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे कि भाई मैक्स विड्थ 375, ठीक है, 375 के लिए मैंने एक लिख दिया कि भाई 375 तक आपने अप्लाई होना है, उसके बाद आपने अप्लाई नहीं होना है। अच्छा, फिर मैं एक और ऐसा रूल लिखूंगा, ठीक है, उस पर मैं क्या लिखूंगा कि भाई मैक्स विड्थ आपकी क्या होगी, जो टैबलेट की विड्थ होती है। आ जाते हैं टैबलेट के ऊपर, हम टैबलेट की है 768 एवरेज। अच्छा, ये एवरेज गूगल क्रोम मुझे बता रहा है, डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट डिज़ाइनर या डिफरेंट दौर में ये चेंज भी होता है। सही है, तो आप कहीं से भी ये पता लगा लें, कहीं से भी आप डेटा देख लें कि यार टैबलेट का एवरेज साइज़ क्या है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ आईफोन आईपैड के लिए बनाते हैं, तो आईपैड का अभी जो नॉर्मल वाला आईपैड है उसका साइज़ क्या है, तो आप उस पर सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये इट डिपेंड्स कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। ये तो बिल्कुल जनरल बता रहा है, एंड्रॉयड आईफोन ये जितने भी मिला के ना सारे, और भी पता नहीं लेनोवो वेनोवो कौन से टैबलेट होते हैं, जो क्रोम के भी टैबलेट आना शुरू हो गए गूगल के, तो वो सब मिला के ही उसका एवरेज बता रहा है शायद। सही है, तो ये आप ज़ाहिर है 3 आपको साइज़ चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, क्या था इसका साइज़, 768। तो मैंने कहा भाई आप लगोगे 768 आपकी मैक्स विड्थ होगी ना, उस तक ये अप्लाई करना है, उसके आगे नहीं करना। हाँ, इसमें मिनिमम भी लगाना पड़ेगा कि ये 375 से कम पे ही अप्लाई ना हो। अब हम आके देख लेते हैं W3 स्कूल पे कि दोनों कैसे लगेगा, यानी मिनिमम मैक्सिमम अगर दोनों बताना है। अब यहाँ पे उन्होंने पूरी डिटेल लिखी है कि भाई ब्रेक पॉइंट होगा ये, कहीं ना कहीं आपको ब्रेक पॉइंट्स डिसाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी ये वो 2 ब्रेक पॉइंट इन्होंने कैसे बताया लगाना, मिनिमम मैक्सिमम एक साथ नहीं जिक्र किया इन्होंने कहीं, नहीं वो सिंटैक्स होगा ना, फ़ायदा नहीं है तुक्का लगाने का, यहाँ से देखना पड़ेगा हमें। अच्छा, ये रहा एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस 600 पिक्सल, इन्होंने अपना एक साइज़ बताया हुआ कि भाई 600 पिक्सल एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस है। अच्छा, इन्होंने 2 एक साथ लगाना नहीं बताया। अच्छा, मीडिया क्वेरी के अंदर सिर्फ स्क्रीन का साइज़ नहीं होता, कई और भी चीज़ें होती हैं जिसको आप अपनी कंडीशन में शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डिवाइस की ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। मिसाल के तौर पर अगर आपने फ़ोन सीधा पकड़ा हुआ है, अब फ़ोन को आप घुमाते ही हो, तो आपकी डिवाइस में CSS क्या अकॉर्डिंगली चेंज होनी चाहिए, मे बी होनी चाहिए,
क्योंकि जब सीधी डिवाइस होती है तो उसमें विड्थ ऊपर कम है नेविगेशन बार में, तो आप शायद नेविगेशन बार को आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, है ना, नेविगेशन बार के लिए जगह नहीं होती फिर अगर आप स्मॉल डिवाइस में या मीडियम डिवाइस में, तो देखो ये बिल्कुल चपक गया है। तो आमतौर पर क्या करते हैं, इसको गायब ही करा देते हैं, इस नेविगेशन बार को ही गायब करा देते हैं और इसकी जगह एक दूसरा नेविगेशन बार लगा देते हैं जो इससे छोटा होता है। आमतौर पर वो एक बर्गर आइकन होता है जो तीन तीन मूव वाला होता है, उसको बर्गर आइकन कहते हैं, वो होता है, उसको क्लिक करते हैं तो कुछ विजिबल होता है, तो उस तरह की कोई चीज़ करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं यहाँ पे क्या कर रहा एक्चुअली कि 375 से कम कम पे ना मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई इस नैव को ही उड़ा दो, इस नैव को जो है ना, ये जो कलर चेंज कर रहा हूँ ना मैं, कलर नहीं चेंज होगा ये, मैं बोलूँगा भाई इसको गायब कराओ, डिस्प्ले नन, सही है। असल में ये हो रहा होता है जब ये एक सर्टेन साइज से बड़ा होगा जब ही दिखेगा, इससे छोटे पे गायब। ये आ गया ना, देखो ना खुद ही गायब हो रहा है ये। अच्छा, इस खुद ही गायब होने के बाद इसकी जगह मैं कुछ और डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, है ना, इसको गायब करा के मैं कुछ और डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये जो नैव है ना ये दो होगा फिर, ये जो नैव है मेरे पास ये दो होगा, एक नहीं होगा ये, अब सही है। अब इसको मैं नाम दे दूँगा कि नैव स्मॉल, एक को मैं नाम दे दूँगा नैव डैश स्मॉल डिवाइस मिसाल के तौर पर। अच्छा, तो इसमें अब ये UL इस तरह नहीं होगा, इसमें अब क्या होगा, इसमें अब एक आइकन होगा, हाँ इसमें एक बटन होगा, मतलब इसमें मैं एक बटन बना देता हूँ अभी, वो आइकन के साथ होगा, और इसमें मैं ICO लिख देता हूँ फिलहाल प्लेस होल्डर के तौर पे, ठीक है, अभी वो आइकन मैं इम्पोर्ट नहीं करना चाह रहा। तो ये स्मॉल जो होगा ना बाई डिफ़ॉल्ट, ये बाई डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये बाई डिफ़ॉल्ट हिडन होगा, डिस्प्ले नन होगा ये बाई डिफ़ॉल्ट, लेकिन यहाँ पे मैं आके क्या बोलूँगा, नैव स्मॉल को क्या कर दो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये कर दूंगा मैं। अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अच्छा ये उधर भी नज़र आ रहा है, उधर भी इसको हाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हाइड क्यों नहीं हो रहा भाई, नैव स्मॉल बाय डिफ़ॉल्ट हाइड क्यों नहीं है, नैव स्मॉल तो हाइड है बाय डिफ़ॉल्ट, अच्छा ये डॉट नहीं लगाया मैंने, माई मिस्टेक, सही है डॉट नहीं लगाया था मैंने, सही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो हिडन ही है, जैसे ही एक सर्टेन साइज के बाद आता है, अरे वो तो वो भी नहीं आ रहा, ये 365 पे काम नहीं कर रहा, ये डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ फिलहाल के लिए मैं उसको, ये क्या हो रहा है, असल में ये बाद में लिखा हुआ है नन, इस वजह से ऐसा हो रहा है, सही है, नन बाद में लिखा हुआ है इसलिए वो ओवरराइड कर दे रहा है इसको, ठीक है। ऊपर तो ये तो अप्लाई हो गया, लेकिन नीचे वाला तो अनकंडीशनल है ना, नीचे वाला क्या है वो अनकंडीशनल है, तो मुझे शायद इसको कंडीशन करना पड़ेगा, या तो मुझे ये कंडीशनल वाले लास्ट में लिखने पड़ेंगे, जो जनरल रूल है वो टॉप पे करना होगा, सही है। सबको कट करके मैं मेन स्टाइलिंग से नीचे लेकर आऊँगा फिर, क्योंकि जो भी बाद में हमने कैस्केडिंग पढ़ी थी ना, जो बाद में होता है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, ठीक है, अब सेट हो गया ये, ठीक है। अब ये सही साइजिंग शायद सेट नहीं हुई है, एक सर्टेन साइज़ पे आगे मुझे करना था, उन्होंने कम ज़्यादा कर दिए, लेकिन काइंड ऑफ आपको समझ आ गया कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, इस तरह मैं अपने पूरे पेज में जो भी मर्जी चीज़ चाहूँ मैं कंडीशनल बना सकता हूँ, अच्छा, लेकिन ये काम करना नहीं है, सही है, ये काम नहीं करना है। शुरू में ये अप्रोच होती थी, फेसबुक में भी करते थे लोग, ट्विटर में भी करते थे, ट्विटर ने पूरा फ्रेमवर्क लिखा है इसके पीछे, इस चीज़ के पीछे ना ट्विटर ने पूरा फ्रेमवर्क लिखा है CSS का, दैट इज़ कॉल्ड बूटस्ट्रैप, और बाद में फिर उसको खुद ही नहीं यूज़ करते हैं वो। अब ट्विटर ये काम नहीं करता, ये वाला काम जो मैंने अभी इम्प्लीमेंट करके दिखाया ना छोटे बड़े पे, ये खुद हाइड हो रहा है, ट्विटर अब ये वाला काम नहीं करता। ट्विटर को अगर आप मोबाइल डिवाइस पे, क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या होती है ये भी समझो कि क्यों नहीं कर रहे वो यूज़, प्रॉब्लम इससे ये होती है कि CSS आपकी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है और वो इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है। अभी देखो ना मैंने दो कंडीशन लगाई है सिर्फ, ये दो कंडीशन लगाई है, डुप्लीकेट हो रहा है एक तो कोड, है ना, एक तो कोड डुप्लीकेट हो रहा है मेरा इतना ज़्यादा, ऊपर से अब ये बगैर कंडीशन वाला जो कोड है ये इसके साथ लड़ रहा है कि ऊपर नीचे वाले में प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो मैं इन चीज़ों को मैनेज कर लूँगा, लेकिन स्टिल मेरा कोड ये डबल लिख रहा हूँ ना मैं कोड, एक ही कोड को मैं दो दफ़ा लिख रहा हूँ, तो अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम बन जाता है।
ठीक है। अच्छा फिर चलो ये भी मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन स्क्रीन के साइजेस एक तो इतने ज़्यादा हैं कि मैं सबको कवर नहीं कर सकता इस तरह करके, ठीक है। अच्छा और रैपिडली वो चेंज भी हो रहे हैं स्क्रीन के साइजेस। अच्छा मेन फोकस इनका डिफरेंट दौर में मेन फोकस डिफरेंट रहा है। मिसाल के तौर पे शुरू में जब वेबसाइट बनती थी तो वो डेस्कटॉप फर्स्ट होती थी, यानी वो 1000 पिक्सल पे या 960 पिक्सल पे स्टैंडराइज करते थे उसको कि ये डेस्कटॉप पे ही खुलेगी। मोबाइल पे अगर कोई खोलता है तो वो मतलब बस गुजारे में खुलती थी वो टाइम आपको याद होगा बचपन का, ठीक है। तो मेरे बचपन में जो वेबसाइट होती थी वो डेस्कटॉप फर्स्ट होती थी। अच्छा फिर उसके बाद एक दौर आया जिसमें उन्होंने बोला यार नहीं मोबाइल फर्स्ट होना चाहिए, मेन फोकस मोबाइल फ़ोन होना, जैसे फेसबुक का जो इस वक्त फोकस है वो मोबाइल फर्स्ट है। फेसबुक ज़्यादातर फ़ोन से यूज़ होता है और मोबाइल ऐप से यूज़ होता है। अच्छा लेकिन जब वो मोबाइल फर्स्ट की बारी आई, ये वो बूटस्ट्रैप का वो मैं बात बता रहा हूँ, जब ट्विटर ने बूटस्ट्रैप लिखा था वो इसलिए लिखा था क्योंकि मोबाइल फर्स्ट हो गया था वो दब ज़माना, हर चीज़ हर बंदे के हाथ में फ़ोन आ गया था स्मार्टफोन, ठीक है। यूरोप में अमेरिका में 2007 में फ़ोन सबके हाथ में आ चुका था, हमारे पास भी 2010 तक सब लोगों के हाथ में फ़ोन आ गया था, फिर हमारे पास 2013-14 में 4G आ गया तो उससे काफ़ी बूस्ट मिला। तो ये बहुत सख्ती से डिमांड आ गई कि यार नहीं मोबाइल फर्स्ट होना चाहिए, चीज़ें मोबाइल पे सही खुलनी चाहिए, मोबाइल वाले को इग्नोर नहीं कर सकते थे आप नॉट एनी मोर, ठीक है, क्योंकि मेन आपका जो ट्रैफिक था वो मोबाइल से आ रहा था। तो मोबाइल फर्स्ट के चक्कर में ये रिस्पॉन्सिव वगैरह वाली चीज़ें CSS में भी डेवलप हो गई कि अच्छा यार मीडिया क्वेरी हुआ करेगी और कंडीशनल हो जाएगी चीज़ें और बूटस्ट्रैप की एक लाइब्रेरी होगी कि उससे आप मोबाइल पे भी और डेस्कटॉप पे भी एक ही वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। अच्छा अब मोबाइल फर्स्ट डेस्कटॉप में भी फिर इतनी इनोवेशन हो गई, फिर टैबलेट्स कॉमन हो गए, आईपैड इतना पावरफुल हो गया कि लोग कंप्यूटर छोड़ के आईपैड यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे जो उसके टारगेट ऑडियंस में जो फिट हो रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा स्पीच देने के लिए डाइस पे जा रहा है तो वो टैबलेट लेकर जा रहा है, वो लैपटॉप नहीं लेके जा रहा, ठीक है। टैबलेट इज़ ईजी टू कैरी, ट्रैवल पर जा रहा है तो वो टैबलेट कैरी कर रहा है, फ़ोन कैरी कर रहा है, सही है। तो कहीं ना कहीं वो टैबलेट जो है वो ऑलमोस्ट डेस्कटॉप के साइज़ का होता है, तो अब दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते आप। फिर कोड कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, कोड में डुप्लीकेशन आती जा रही है, मोबाइल को हैंडल कर रहे हैं तो डेस्कटॉप बिगड़ जा रहा है, डेस्कटॉप को हैंडल कर रहे हैं तो मोबाइल बिगड़ जा रहा है, फिर कोई नई स्क्रीन साइज़ का फ़ोन आ गया तो उस पर वो चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो इन सारी प्रॉब्लम को घुमा फिरा के हल ये निकला कि भाई मोबाइल का डोमेन ही अलग होगा, मोबाइल के लिए जो साइट बनेगी वो एंटायरली मोबाइल के लिए ही बनेगी फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। अच्छा उसमें जो मैक्सिमम स्क्रीन का जो साइज़ कंसिडर कर रहे हैं ये वो 700-800 पिक्सल कंसिडर कर रहे हैं, 700-800 पिक्सल से ज़्यादा बड़े साइज़ पे जैसे ही वो जाएगा तो वो डोमेन ही चेंज कर देगा, ठीक है। फेसबुक आप खोलेंगे मोबाइल पे तो ब्राउज़र के ऊपर अगर खोलेंगे, पहली बात तो ब्राउज़र पे खोलेंगे, फ़ोन पे ऐप इंस्टॉल है तो वो ठक आपको रिडायरेक्ट मारेगा, ऐप खोल देता है, फ़ोन पे चलाने ही नहीं देगा आपको, है ना, ये होता है। अच्छा अगर मिसाल के तौर पे ऐप इंस्टॉल नहीं है और या ज़बरदस्ती आप ब्राउज़र पे उसको चला रहे हैं सब चीज़ें डिस्कनेक्ट करके परमिशन बंद करके कि उसको पता ना चले कि ऐप इंस्टॉल है, तो वो फ़ोन पे m.facebook चलाता है, ठीक है। www.facebook वाला वो डोमेन नहीं चलाता, तो m. इज़ अ सब डोमेन, ठीक है। जैसे आप मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ air.sysborg.com, है ना, तो एयर इज़ अ सब डोमेन। आप सिर्फ सिसबॉर्ग खोलेंगे तो अलग वेबसाइट है उस पर, वो एक लैंडिंग पेज है, वो अलग है, एयर डॉट पे अलग है, फिर education.sysborg खोलेंगे वो एक अलग वेबसाइट है, तो सब डोमेन आप जितना मर्जी लगाना चाहें लगा लें। तो कुछ जगहों पे m. खुलता है, कुछ जगहों पे mobile. भी खुलता है। शुरू शुरू में नोकिया के ज़माने में मोबी हुआ करता था, .mobi ऐसे करके लिखते थे वो, ठीक है। अब m. ज़्यादा कॉमन है, ट्विटर में भी यही होता है, ट्विटर को आप छोटी डिवाइस पे खोलेंगे m. खुलेगा वो, और उसका जो UI है वो बहुत बेसिक होता है और वो एंटायरली डिज़ाइन ही किया जाता है छोटे स्क्रीन के लिए, यानी छोटी विर्थ वाली स्क्रीन के लिए और ज़्यादा हाइट वाली स्क्रीन, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आमतौर पर पोर्ट्रेट मोड में इस्तेमाल होते हैं, डेस्कटॉप आमतौर पर लैंडस्केप मोड में इस्तेमाल होता है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट, दोनों का टारगेट जो मोबाइल आमतौर पर सनलाइट में इस्तेमाल होता है, मोबाइल आमतौर पर इनडोर इस्तेमाल नहीं होता, सनलाइट में होता है इस्तेमाल, आउटडोर सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं काफ़ी, बाहर धूप भी हो सकती है, बर्फ़ भी हो सकती है, इस तरह के सर्कमस्टांसेस के लिए वो UI डिज़ाइन की जाती है कि सनलाइट में वो दिखे। डेस्कटॉप ऑन अदर हैंड या टैबलेट जो है उसको ये कंसिडर किया जाता है कि वो आउटडोर यूज़ नहीं होगा, वो इनडोर यूज़ होगा, या अगर रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह के अंदर यूज़ होगा, क्योंकि चलते चलते कोई टैबलेट यूज़ नहीं करता आमतौर पर, ऐसा देखा गया है,
डेस्कटॉप या लैपटॉप भी डेस्क पे बैठ के बंदा उसको ओपन करता है, कैफ़े रेस्टोरेंट के अंदर उसको ओपन करता है। तो इसकी जो यूआई होती है उसमें चीज़ें निस्बतन छोटी होती हैं, जो आपको एक फिट की दूरी से ही नज़र आएगी, चार फिट तीन फिट की दूरी से नज़र नहीं आएगी। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में आमतौर पर चीज़ें थोड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि एक तो वो टच स्क्रीन है, बटन बड़ा बड़ा होना चाहिए उसमें। मटेरियल डिज़ाइन में भी इस चीज़ की गाइडलाइन मौजूद है कि एटलीस्ट एक बटन जो है वो 40 पिक्सल का होना चाहिए, या पता नहीं 40 पॉइंट का उनका एक अपना गाइडलाइन है। तो उससे छोटा बटन वो कहते हैं नहीं होना चाहिए टच स्क्रीन के ऊपर। तो एंटायरली सब जो डिज़ाइन गाइडलाइन है वो भी अलग है मोबाइल फ़ोन की, उसके सर्कमस्टांसिस भी अलग हैं, उसका स्क्रीन साइज़ का एक पोर्ट्रेट मोड फिक्स है, पोर्ट्रेट में ही चलता है वो। लैपटॉप और जो टैबलेट है उस पर एक अलग, तो इसका डोमेन आमतौर पर अब अलग रखा जाता है, ये ज़बरदस्ती इसको रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश अब नहीं की जाती है। अच्छा, तो आपने जो साइट बनानी है नाउ एंड ऑनवर्ड्स, उसको आपने तीन डिवाइसेस पे रिस्पॉन्सिव करना है। ठीक है, तीन डिवाइसेस पे रिस्पॉन्सिव इसलिए करना है क्योंकि एक तो आप यहाँ पे ना जब आप टास्क बना रहे होंगे तो आप डोमेन चेंज नहीं कर सकते, सही है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि दो वेबसाइट हो, अदरवाइज आपको दो रिपोजिटरीज बनानी पड़ेंगी, राइट। और उसमें फिर जावास्क्रिप्ट की कंडीशन लगती है कि भाई स्क्रीन का साइज इतना हो तो उसको रीडायरेक्ट मार दो, वो जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी नहीं है अभी तक। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपने क्या करना है, जो भी वेबसाइट बनानी है उसको तीन डिवाइसेस पे आपने चेक करना है। अच्छा, हम मोबाइल फर्स्ट नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं डेस्कटॉप फर्स्ट, लेकिन डेस्कटॉप फर्स्ट बनाते हुए भी हमने जस्ट एक दफ़ा छोटा करके ना स्क्रीन को यहाँ से ऐसे चेक कर लेना है, किस पे, मोबाइल मीडियम पे और टैबलेट पे और लैपटॉप जो है उसके ऊपर, तीन डिवाइसेस पे चेक करना है कि भाई वो सही चल रही हो। अच्छा, मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल भी करना है क्योंकि पता होना चाहिए, टूल है एक मौजूद है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर आप डोमेन अलग कर देंगे तो मीडिया क्वेरी बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। मीडिया क्वेरी स्टिल, जैसे मोबाइल में हमने देखा कि स्क्रीन का साइज़ नहीं होता सिर्फ जिसपे आप कंडीशनल बनाते हैं, बल्कि पोर्ट्रेट और डेस्कटॉप लैंडस्केप मॉड भी होता है, अभी और भी नीचे इन्होंने बताया हुआ होगा। ओरिएंटेशन एक है और चेंज फॉन्ट साइज़ विद मीडिया क्वेरीज, ठीक है, मीडिया क्वेरी से आप फॉन्ट का साइज़ वाइज भी चेंज करवा सकते हैं। अभी ये रेफरेंस होगा ना पूरा, ये तमाम रूल उसमें लिखे हुए होंगे, वो एक लिस्ट है कि मीडिया क्वेरी में क्या क्या चीज़ों पे कंडीशन लग जाती है, वो भी यहाँ कहीं ना कहीं लिखी होगी इन्होंने। CSS मीडिया क्वेरीज, अरे भाई कहाँ चला गया वो, यार वो MDN वाले पे चलते हैं, वो ज़्यादा सही जो है ना बता रहे होते हैं। ठीक है, इसी के नीचे MDN का लिंक है, तो MDN पे मैं वो तलाश करने की कोशिश करता हूँ कि भाई एक तो स्क्रीन का साइज़ हो गया, स्क्रीन की ओरिएंटेशन हो गई कि भाई ओरिएंटेशन ये हो तो ये CSS लगाओ, ये हो तो ये लगा दो, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें। हाँ, प्रिंट के ऊपर मीडिया क्वेरी लगा सकते हैं आप, मिसाल के तौर पे इस पेज पे खड़ोगे कोई कंट्रोल पी करे तो यहाँ पे तो ये वाला जो है ना ऐसा बना हुआ आ रहा है, मेरी वो कहाँ गई है एप्लीकेशन, इस पे तो ऐसा बना हुआ आ रहा है, या छोटा करता हूँ तो ऐसा बना हुआ आ जाता है, लेकिन जब इस पेज को प्रिंट किया जाए तो ये मेन्यू बार क्या उसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं मीडिया क्वेरी के ज़रिए कि अगर इस पेज पे खड़ोगे कोई प्रिंट का बटन दबाए तो क्या ये इसी तरह का बर्गर आइकन दिखाए, या इसमें कोई दूसरे स्टाइल का मेन्यू शो करा दे, या इसको एंटायरली गायब ही कर दे, या ये पूरा हेडर ही गायब कर दे, या कोई ऐसी चीज़ मिसाल के तौर पर जिस दिन वो प्रिंट कर रहा है उसकी डेट लिखी हुई है ऊपर जो यहाँ नहीं दिखती लेकिन प्रिंट में दिखनी चाहिए, समझ रहे हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, चेक कैसे करेंगे आप, कंट्रोल पी दबाएंगे ना, ओहो यार ये तो इसमें चल नहीं रहा, हाँ ये रहा, अच्छा स्क्रीन पर ये देखो प्रिंट अभी इस पर ऐसे हो रहा है, इसमें पेज का साइज़ कैसे सेलेक्ट होगा, मोर साइज़, हाँ ये रहा लेटर पेज है, मैंने कहा भाई A4 पे ही ऐसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद, तो जो भी मीडिया क्वेरी में मैं प्रिंट करके लगाऊंगा वो यहाँ पे मुझे उसका व्यू भी नज़र आएगा कि भाई ऐसा होने वाला है ये। अच्छा, मैं PDF पे प्रिंट मार के उसको एज अ PDF सेव करके भी चेक कर सकता हूँ बाद में। अच्छा, तो ये प्रिंट हो गया हमारे पास, ठीक है, एक स्क्रीन है और एक प्रिंट, ठीक है, जो चीज़ स्क्रीन पर करनी है वो स्क्रीन पर, जो प्रिंट पर करनी है वो प्रिंट पर। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं प्रिंट में ना आए तो आप वो सिर्फ स्क्रीन पे रख के करेंगे। अच्छा, टारगेटिंग मीडिया फीचर्स, होवर पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें लगा सकते हैं, होवर ऑन अदर एंड हमारे पास एक क्लास भी है सूडो क्लास, लेकिन ये इस तरह से भी है, ठीक है, मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ और कलर करके कुछ है यहाँ पे।
अब ये एक लंबा डॉक्यूमेंट है, इसको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप मिनिमम विर्थ और ओरिएंटेशन साथ में भी लगा सकते हैं, सही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं कि प्रिंट कर रहा हो और लैंडस्केप मोड में खड़ा होकर प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये CSS लगानी है। मतलब कितना कंट्रोल आ गया हमारे पास कि बंदा लैंडस्केप मोड में हो मोबाइल फ़ोन पे और वो प्रिंट कर बटन दबाए तो उसमें ऐसे प्रिंट करना है, पोर्ट्रेट में खड़ा होकर प्रिंट करें तो ऐसे प्रिंट करना है, तो पूरी CSS आप अलग लिख सकते हैं, तो काफ़ी कंट्रोल आपके पास आ जाता है। टारगेटिंग द मल्टीपल क्वेरीज, ये हो गया वही जो एंड करके हम लगाना चाह रहे थे दो के मिनिमम मैक्सिमम एक साथ, तो वो इस तरह से होगा। नहीं नहीं, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो यूज़ करेंगे आप, बाकी वो ये डॉक्यूमेंट है ना, मुझे खुद नहीं याद है मुझे खुद नहीं याद है कि मीडिया क्वेरी में क्या क्या हो जाता है, क्योंकि बहुत कम इसकी ज़रूरत पड़ी है मुझे पर्सनली। अबे यार वो लिस्ट मुझे क्यों नहीं मिल रही, यहाँ पे मीडिया क्वेरी की एक लिस्ट थी। अच्छा ये रहा ऑल प्रिंट स्क्रीन और, सही है, ये वो सारी लिस्ट आ गई। एस्पेक्ट रेशो, अच्छा एस्पेक्ट रेशो पे भी आप कंडीशन लगा सकते हैं, मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन का जो एस्पेक्ट रेशो होता है वो 16:9 होता है ना, ये 9:16 होता है कि एक तरफ हाइट अगर 9 है तो विड्थ 16 होगी, 16:9 होता है। तो हम इस पर यह भी कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ये डिवाइस पे जिस पे खुला है उसका एस्पेक्ट रेशो क्या है, अगर 16:9 है तो फला CSS लगा दो, अगर 16:9 की जगह 1:1 है यानी बिल्कुल स्क्वायर स्क्रीन पे खुला है तो ये CSS लगा दो, ये भी एक कंट्रोल है हमारे पास। ठीक है, अब ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ इसमें से डिलीटेड शो कर रहा है, ये हटा दी गई है, डिलीट कर दी गई है, ख़त्म हो गया इसमें से। ठीक है, व्यू पोर्ट की हाइट कितनी है, सिर्फ हाइट पे या सिर्फ विड्थ पे भी मैं लगा सकता हूँ, एक तो विड्थ हमने देखा ना, हाइट पे भी लगा सकता हूँ कि इस वक्त जो मेरा व्यू पोर्ट खुला है उसकी हाइट 1000 से कम है तो ये कर दो, 500 से कम है तो ये कर दो। ठीक है, मोनोक्रोम ओरिएंटेशन ये आ गई जो अभी हमने देखी थी ओरिएंटेशन, सही है, पॉइंटर रेजोल्यूशन, ठीक है, ओवरऑल रेजोल्यूशन जो है उस पर भी मैं लगा सकता हूँ। अब इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन, इसकी सारी चीज़ें आ गई, ये विड्थ आ गया जी भूत आ गया उसमें अच्छा चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो हमने आज की क्लास में क्या किया, रुक जाओ ठंडा हो जाओ। अच्छा, तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, फ्लैक्स बॉक्स को हमने थोड़ा सा कवर किया है, ठीक है, ये हमने पूरी करनी है वेबसाइट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और हमने थोड़ा सा मीडिया क्वेरी भी डिस्कस कर लिया। मीडिया क्वेरी हम इतना ही मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आगे जो भी आप टास्क बना रहे होंगे वो आपने क्या करना है, 3 डिवाइसेस पर रिस्पॉन्सिव करना है मीडिया क्वेरी के थ्रू। हालांकि ये यूज़ नहीं होता, डोमेन अलग करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह डोमेन अलग करना फिर हम सीखेंगे जब जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे तो। अच्छा, तो कोशिश आपने क्या करनी है, अभी आपका जो घर से असाइनमेंट है कि ये वाला जो काम है ना, ये जो इमेज है ये वाली, ये मैंने पुश कर दी है गिटहब में, तो अगर ये आप पूरा बन जाए आपसे, कि फ्लैक्स बॉक्स तो समझ आ गया, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक जो चलता है जिस तरह वो तो समझ आ गया है ना, तो ये बॉक्सेस ही हैं, आगे पीछे करने हैं, सेंटर वेंटर करना है, और क्या करना है इसके अंदर, है ना, तो कोशिश करना कि इसको कंप्लीट कर पाओ तो कर लो, ठीक है। और फ्लैक्स बॉक्स को, ये जो आर्टिकल है फ्लैक्स बॉक्स का, इसको ऊपर से नीचे तक अगर स्टडी कर लो, थोड़ा सा अच्छे से देख लो कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और वो क्या करते हैं, तो आपको नेक्स्ट क्लास में जब मैं चीज़ें थोड़ी सी एडवांस पे लेके जाऊंगा, फ्लैक्स बॉक्स हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो थोड़ी सी चीज़ें एडवांस होंगी तो आपके सर के ऊपर से ना जा रही हो चीज़ें, ठीक है, तो थोड़ा सा हाथ से अपने कोड लिख कर आओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अटेंडेंस अभी लगा कर जाना, अटेंडेंस में ग्लिच आ गया था, वो शुरू में नहीं हुई है अटेंडेंस। अच्छा, दूसरी बात, फ्राइडे वाले दिन आपका क्विज है, फ्राइडे वाले दिन 4:30-4 बजे पहुँच जाना, ठीक है, क्योंकि लैब में इतनी जगह नहीं होती कि एक दफ़ा में सबका टेस्ट हो जाए, दो दफ़ा में टेस्ट होगा ना, 40 मिनट का टेस्ट है, ठीक है, तो 40-40-80 मिनट हमारे, तो 4 बजे तक आ जाना, ठीक है, तो ताकि 4 से 5 और 5 से 6 दो सेक्शंस में आपका टेस्ट हो जाए यहाँ पे, उसके बाद फिर हम क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। CSS के जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर 11 से, जो पहला चैप्टर था CSS का, वहाँ से लेके चैप्टर नंबर 18 तक है, टेस्ट आपका बुक से होगा, बुक आपने पढ़ाई हुई है तो आप इंशाल्लाह टेस्ट पास
कर लेंगे, ठीक है। जाहिर है फ्लैक्स बॉक्स क्योंकि बुक में नहीं है तो फ्लैक्स बॉक्स आपके टेस्ट में नहीं होगा। इसी तरह मीडिया क्वेरी वगैरह ये चीज़ें जो बुक में नहीं है वो टेस्ट में नहीं होगा, जो बुक से है टेस्ट आपका, ठीक है। MCQs बेस्ड टेस्ट है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, सब लोगों को एक्सपीरियंस हो गया है कि शुरू कैसे करना है, टेस्ट को क्या करना है, ठीक है। गूगल का जो OAuth का प्रॉब्लम था या टू फैक्टर का, वो सारे मसले नहीं होने चाहिए। वो सारा मसला आपने घर से सॉल्व करके आना है कि अगर आपका गूगल का कोई अकाउंट है, वो किसी नई डिवाइस पे लॉगिन करेंगे तो क्या क्या मसले आते हैं, वो आपने सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं होऊंगा टेस्ट में, यहाँ पे स्टाफ होता है, वो बिला वजह तंग करने की ज़रूरत नहीं है उसको। जी कुछ पूछ रहे हो? कोड तो मैं पुश कर रहा हूँ, कोड मैं गूगल, वो गूगल पे जाके लिखोगे ना, इंजमाम मलिक लिखोगे, साथ में गिटहब लिखोगे तो आ जाता है। सही है, चलो भाई।